अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें दोस्त, तो हाइड्रोजन आपको बताया पूरे बात करें क्या होती है? नॉन मेटल होती है, गैस होती है, समझ में आ रहा है क्या? अगर अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि हाइड्रोजन है क्या, तो आप अच्छे से जानते हो कि पेरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, समझ पा? इसको अपने बोला था कि नॉट ओडियस एलिमेंट। नॉट ओडियस एलिमेंट का मतलब क्या है दोस्त? ये एक आवार तत्व है, पहली बात तो फर्स्ट एलिमेंट है। दूसरी बात अपने बोला था कि बेटा बात इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसको अपन दो जगह रख सकते हैं। एक तो बड़ी बात करें मेटल्स के साथ, मेटल के साथ क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करता है, बिल्कुल बात करें मेटल पर बिहेव करता है, फर्स्ट ब्लॉक मतलब एल्कली मेटल। और दूसरा अपने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने डुप्लेट को पूरा करता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? ऐसा हैलोजन, मतलब इसको सेवनिंग ग्रुप में भी रख सकते हैं। मतलब इसकी पोजीशन अगर बेटा बात करें फिक्स नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉट ओरियस एलिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे बुरी बात करें कैसा एलिमेंट है, हल्का तत्व है, समझ पाए। दूसरा अपने बोला था नॉन मेटल, मेटल एक नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब क्या है दोस्त? अधातु है। क्या है? अधातु है। धातु है कि धातु है? अधातु है, समझ पा रहे हो? तो इसके बारे में इस तरीके से अपन ने बात की, ये जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अपन पढ़ लेंगे। अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है क्या, पूरे बात करें हाइड्रोजन के ऊपर आगे चल के पूरे ऐसा, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहा है। सोलर एनर्जी मतलब आपने देखा होगा घरों के ऊपर पूरी बात करें सोलर प्लेट लगा देती है, उससे अपन क्या एनर्जी बनाते हैं। आजकल बड़े बड़े होटल्स को इतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोल देती है कि भाई 70% आप खुद बनाओ, 30% हम देंगे आपको। नहीं, क्योंकि अगर सारी इलेक्ट्रिसिटी अगर अपने इंडस्ट्री एरिया को दे दिया तो हम लोगों को क्या मिलेगी? ऐसी बेटा बात करें फ्यूचर में एनर्जी का सोर्स क्या बनेगा? हाइड्रोजन। सोच पा रहे? ये फ्यूल लेस है, गैस मतलब बुरी बात में बोल सकते हैं कि कैसा है हमारे पास, मतलब पॉइजन लेस है। जो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन का फ्यूल आगे चल के बनेगा वो कैसा होगा? पॉइजन लेस होगा। मतलब अगर पूरे एनवायरमेंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज भी हो गई, सोच पा रहे, H2 टूट करके, तो क्या आपको नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान आपको कौन सी गैस पहुंचाती है बेटा बात कर? अगर ग्लोबल वार्मिंग में देखें तो हमारे पास CO2 की ज्यादा मात्रा, CO2 हार्मफुल नहीं है, CO2 की एक्सेस अमाउंट हार्मफुल है, क्योंकि वो CO2 क्या कर रहा है, बात करें डे बाई डे ज्यादा अमाउंट में बढ़ता जा रहा है। तो फिर क्या कर रहा है, हमारी अर्थ के चारों क्या करता है, एक स्क्रीन बना देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बात करें, ग्रीन हाउस स्क्रीन। जैसे कांच का ग्लास होता है ग्रीन हाउस के लिए, वैसे स्क्रीन बनाते हैं एनवायरमेंट के ऊपर। और ग्रीन हाउस गैसें अपने पड़ी है, मेनली कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें? CO2 सबसे ज्यादा, CH4, उसके बाद CO2 का कितना कंट्रीब्यूशन है बेटा बात कर, 60%। बुरे बात कर 20% किसका है? CH4 मीथेन का। 14% किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, समझ पा रहे? और नाइट्रस ऑक्साइड कितना है? N2O का 6%। ये अपन ने बायोलॉजी में भी पढ़ा है और यहाँ भी आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? क्लियर। इसके बाद बुरी बात, हल्का सा ग्रीन हाउस गैस में ओजोन को भी कंसिडर कर लेते हो, वाटर वेपर को भी कंसिडर कर लेते हैं, नहीं समझ पा रहे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो ये है। लेकिन हाइड्रोजन आपने जरा इसमें देखिए कि हाइड्रोजन क्या पॉइजन लेस है, मतलब पॉइजन है क्या, हार्मफुल है क्या, किसी वजह से आपको नुकसान देती है क्या? तो अगर ये एनवायरनमेंट में रिलीज भी होगी तो भी बुरे बात का नुकसान नहीं करेगी। इसलिए अपन क्या सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में मुझे एनर्जी के सोर्स की जरूरत है तो मैं किसको यूज करूंगा? हाइड्रोजन को यूज करूंगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर अपन इसके बारे में देखो बेटा बात करें तो इसको अपन क्या करेंगे, फ्यूचर में एनर्जी के सोर्स भी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो और क्या बात कर सकते हैं बताओ? अपन ने देखा था कि इसकी सबसे पहली डिस्कवरी हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी दुनिया में? तो हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी बेटा बात करें हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने, समझ पा रहे? और दूसरे अपन पॉइंट की बात करें किसने की थी? और कैवेंडिश वो साइंटिस्ट की बात की जिसने एक चीज और खोजी थी, याद है क्या खोजी थी बेटा बात करें? बोलो बोलो जल्दी बोलो। इसने खोजा था बुरी बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद है जी? जी मतलब याद है फोर्स, जैसे अपने बोला था कि जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वहां ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ते हो, F=2 क्या आता है? कैपिटल जी m1 m2 / r2। तो वहां जो जी था वो क्या होता है? वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी डिस्कवरी भी किसने की थी? हमारे कैवेंडिश साहब ने, समझ पा रहे हो? तो अपन बोलते बेटा बात करें कि जो हाइड्रोजन की डिस्कवरी वो की थी हेनरी कैवेंडिश ने, और जो हमारे पास बेटा ये नाम है हाइड्रोजन नाम, ये किसने दिया था? लेवोजियर। किसने दिया था बोली बात करें? लेवोजियर ने किया था। तो कुछ अपन पॉइंट बात करते चलते हैं और आप इसको देखते चलो। अगर अपन बोले बेटा बात करें हाइड्रोजन के बारे में, समझ पा रहे? ये क्या बताओ बोलू बात करें, फर्स्ट एलिमेंट ही तो लिखने की जरूरत है क्या? पूरी पेरियोडिक टेबल अपन को अच्छे से याद है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्या बेटा बताओ? पीटी मतलब पेरियोडिक टेबल। दूसरा अच्छे से जल्दी बुढ़े बात करिए क्या है बताओ? लाइटेस्ट बुढ़े बात करें क्या है? नॉन मेटल गैसेस एलिमेंट है। इसमें पूरी वर्ड आ गया देखो, लाइटेस्ट मतलब हल्का। दूसरा अपन ने क्या बोला बताओ बेटी बात करें? नॉन मेटल मतलब कैसा दोस्त? अधातु है, समझ पा रहे? और कैसा है बुढ़े बात करें? गैसियस। गैसियस मतलब क्या है दोस्त? मतलब गैस है, सोच पा रहे? गैसियस एलिमेंट, ये भी अपन अच्छे से जानते हैं, ठीक है? मतलब ये कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करना चाहें तो बताओ बेटू बात करें इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अगर डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश।
हेनरी कैवेंडिश, समझ आ रही है यार। दूसरी बेटा बात कर, हम बोले कि यहाँ पे इसको नेमिंग किसने किया था, नेमिंग किया था लैबोइशियर, किसने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपन जा रहे हैं क्योंकि पूरा टॉपिक दे रखा है हाइड्रोजन के ऊपर, नहीं समझ में आ रहा। तो लैबोइशियर ने गुड़े बात करे क्या की थी बता बेटा, नाम दिया था लैबोइशियर ने, नाम दिया था हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवरी की थी लाइटेस्ट हमारे पास नॉन मेटल गैसेस एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है किसका, पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या भी बताओ, गुड़े बात करें इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ में आ रहा है क्या यूज कर लो, कैसा कंसीडर कर रहे बोलो बताओ। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास हम चाह रहे हैं कि इससे एनर्जी मिल जाए। अब आपको कैसा कैसे सोचा, अगर इससे एनर्जी चाह रहे तो गुड़े बात करें हम सोच सकते थे कि एनर्जी दूसरे एलिमेंट से भी तो मिल सकती है, सोडियम से पोटेशियम से। आपको पता है इससे एनर्जी बहुत प्यारी मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम रेडियोएक्टिव फॉर्म में नहीं मिलता है, समझ पा रहे हो, ये बहुत कम मात्रा में मिलेगा लेकिन ये अच्छा मिलता है, समझ पा, रेडियोएक्टिव फॉर्म में। इसके अपन तीन आइसोटोप पढ़ते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम से गुड़े बात करें क्या, सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव, समझ पा, तो रेडियोएक्टिव सोर्स है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। अब आपने देखा कि जो सन है, सन है, सन पूरा का पूरा बना ही किससे, हाइड्रोजन की बेटा बात करें किससे, रेडियो आइसोटोप से, मतलब या तो ट्राइटियम है वहां पे, या गुड़िया बात जैसे प्रोटीन प्रोटीन मिलकर बनाएंगे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम प्रोटीन मिलकर बना देगा ट्राइटियम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इस तरीके से ट्राइटियम मिलकर बनाते हीलियम, समझ में आ रहा। तो मतलब यहाँ पे अपन बात करें कि जो हमारे पास सन है, सन पूरा का पूरा हाइड्रोजन के आइसोटोप से ही बना है, मतलब हाइड्रोजन में क्या है पता, वहां पे फ्यूजन होता है, समझ पाए, तो वहां फ्यूजन की वजह से बॉन्ड बनेगा, ठीक है, दो बेटा छोटे एलिमेंट जोड़ेंगे गुरु बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्यों हुई, तो जो सन से इतनी सारी एनर्जी लिबरेट हो रही है ना, रिलीज हो रही है, तो वो किसकी वजह से रिलीज हो रही है, हमारी हाइड्रोजन की बेटा आइसोटोप के मिलने की वजह से। मतलब ये कैसी प्रोसेस है बताओ, गुड़िया बात करें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, जब बॉन्ड बन रहा है बेटा तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए हमने सोचा कि जब सन जैसी एनर्जी, जब सन को एनर्जी पैदा कर सकता है तो बताओ इसके पास एनर्जी का तरीका है कि नहीं, अगर हम इसको फ्यूज करें तो हम इससे क्या बना सकते, एनर्जी बना सकते। तो अपन ने देखा बेटा कंसिडर करते इसको क्या, एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब भविष्य में एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ये फ्यूचर में एनर्जी का सोर्स बन जाए बात करें तो कैसा होगा, पॉइजन लेस होगा, समझ पाए, पॉल्यूशन लेस होगा। आगे अपन अगर बात करना चाहें, ठीक है, तो अब ये एनवायरमेंट में मिलता कितना है, तो अगर हम बोले पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में बेटू 70% है, सोचो अकेला हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड का 70% मतलब हम बोल सकते हैं मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, समझ पाए, सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाए जाने वाले बेटू बात करें, बहुत अच्छे पढ़ के आए हो, मतलब मोस्ट एबंडेंट एटम बोलो एलिमेंट बोलो, हाँ कि ना, कहां पे बताओ बेटू बात करें, इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले हैं गुड़िया बात करें, पर नियरली क्या बोल सकते हैं, नियरली 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, समझ पा रहे, मतलब ब्रह्मांड के टोटल भार का, ब्रह्मांड का जितना भी भार है उसका गुड़िया बात करें 70% तो किसकी वजह से, केवल हाइड्रोजन की वजह से। तो अपने बोले 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द, बहुत अच्छे दोस्त, यूनिवर्स। अगर आपको क्या लगता है इसमें गुड़िया बात करके बोली अर्थ पे मिलेगा क्या, नहीं, अगर यूनिवर्स दोस्तों पे अर्थ पे भी है, जुपिटर पे भी है, मंगल पर भी है, शुक्र पर भी है, मतलब हर जगह है, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, और सन में भी है, तो ये कंडीशन अपन ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हमारे पास, और गुड़िया बात करें एबंडेंस का, आपको अगर इसका वो देखना है, एबंडेंस देखनी है इसकी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मिलेगा बेटा ये यूनिवर्स में, कहां मिलेगा गुड़िया बताओ, थर्ड नंबर सेकंड नंबर मिलता है गुड़िया बताओ कहां पे, सन में, समझ पा रहे, और थर्ड नंबर मिलेगा बेटू बात करें कहां बताओ, अर्थ पर, सोच पा रहे, तो ये इसका बेटा बात कर एबंडेंस, सोच पा रहे, एबंडेंस अमाउंट है, मतलब सबसे ज्यादा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उसके बाद गुड़िया बात कर रहे हैं सन पर, तो सन एटम इसको बोलते हैं, और दूसरा अपन क्या बोल सकते बेटू बात कर अर्थ पर मिलेगा। अर्थ अगर आई गुड़िया बात करें तो अर्थ पर अपन देखा था कि सबसे ज्यादा कौन मिलता है, ऑक्सीजन, अगर अर्थ पर देखे तो हमारे पास मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, अरे बताया था कि नहीं बताया था, तो इसका मतलब गुड़िया बात करें कि ये किस नंबर पर आएगा, इसका मतलब ये हमारे पास अर्थ पे सबसे ज्यादा नहीं है, अर्थ पे तो ये मिलता है तीसरे नंबर पे, किस नंबर पे मिलता है बात करें, और अर्थ पर सबसे ज्यादा कौन मिलता है, ऑक्सीजन, पर ये पढ़ा था आपको, तो अपन ने क्या बोलेंगे बताओ बेटी बात करें, ये क्या है थर्ड मोस्ट, समझ पा रहे, एबंडेंट, बिल्कुल एलिमेंट, ये केवल जनरल नॉलेज के लिए है, क्वेश्चंस का बहुत कम आएगा इसके ऊपर, ठीक है, एलिमेंट कहां पे बताओ बेटी बात करें, ऑन द अर्थ। अभी अपन पढ़ेंगे कि अर्थ पर गुड़िया बात करें, अर्थ का मतलब गुड़िया बात करें इसका मतलब कैसे फॉर्म, वाटर के फॉर्म में मिल जाए, हाइड्राइड के फॉर्म में मिल जाए, हैलाइड के फॉर्म में मिल जाए, मतलब अर्थ पर सॉल्ट के फॉर्म में, किस फॉर्म में मिले दोस्त, अर्थ पर सॉल्ट के फॉर्म, अर्थ पर गुड़िया बात करें मेनली क्या, वाटर की तो है,
अपन बोलते 70% तो अर्थ का किससे कमा रहे, वाटर से। तो अगर वाटर है तो बुरे बात के बाद हाइड्रोजन ही तो है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाली कंडीशन है। अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हमारे पास, बताओ और अपन क्या देखते बेटा इसके बारे में, हमें ये देखने की बात करें कि इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, मतलब अपन ने देखा कि जो हमारे पास कितने आइसोटोप के फॉर्म में मिलेगा, तो अपन पूछ सकते बेटा बात करें, जी बिल्कुल, इट्स प्रेजेंट इन थ्री, समझ पा रहे, आइसोटोप्स फॉर्म, ये तीन आइसोटोप के फॉर्म में बेटू बात करें आपको मिलेगा। अभी जो तीन आइसोटोप है बेटू बात करें, ये किस दीदी बात करें क्राइटेरिया पे एक दूसरे से डिफरेंस हो करते हैं, किस प्रॉपर्टी के आधार पे, बिल्कुल नहीं गुड़िया बात करें, ये करते हैं बेटा न्यूट्रॉन के आधार पे, किसके आधार में बेटा बात करें, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बटन से तो हमारे पास एटम मास चेंज हुआ, ठीक है, तो अपन क्या देखते बेटा बात करें, हमारे पास आइसोटोप देखा था पहले, बोलो आइसोटोप, तो ये वाली कंडीशन है। अब हमको पता है बेटा इसके कितने आइसोटोप की बात करें, थ्री आइसोटोप है, थ्री आइसोटोप में अपन देखे अगर हमारे पास, तो सबसे पहले बेटा बात करें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले, जी बिल्कुल, सबसे पहले मिलेगा आपको बेटा बात करें प्रोटॉन, जी प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम का गुड़ी बात करें सिंबल देखें तो किस तरीके से आता है, 1H1 अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है, जो ऊपर लिखा होता है ये क्या होता है बताओ बेटा बात करें, ये होता है एटॉमिक मास, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे लिखा होता है बेटा बात करें, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें, एटॉमिक नंबर, सोच पाए, और एटॉमिक नंबर का नंबर उतना ही होता है जितना क्या होता है बताओ बेटा बात करें, जानते हो ना, तो आप किस तरीके से, यहां मत लिखो, मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आप और अच्छे समझ जाओ, 1H1 से रिप्रेजेंट करते ही नहीं करते इसको, अगर अपन 1H1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो बढ़िया, ऊपर लिखा है आपका क्या बेटा एटॉमिक मास, और नीचे लिखा होता है क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के, और प्रोटॉन बराबर होता है किसके बेटा, इलेक्ट्रॉन के, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है पता बेटू बात कर, दूसरा इसका आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या होता पता बेटू, 1H2 जी, 1H2 इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1H2 से, आप चाहो तो उड़े डी भी लिख सकते हो, कोई यू करती है ना, डी यू, अगर आपको चाहो तो सीधा लिख दो ड्यूटेरियम। तो हमारे पास थर्ड है बेटा बात कर क्या, ट्राइटियम, प्रोटियम बुरी बात करें एबंडेंस के आधार पर देखे ना, किसके आधार पे, एबंडेंस मतलब प्रायिकता के आधार पे, ठीक है, सबसे ज्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा, लगभग बुरी बात का 99% से भी ज्यादा होता है। इसके बाद बेटा बात करें पॉइंट हमारे पास 0.5 समथिंग ये होता है, और लगभग बुढ़े बात करें 10^-15 होता है ये, अगर अपन देखें इसका भार कितना है तो बेटा बात करें, अगर अमाउंट के आधार पे देखें तो, अगर अपन बोले बेटू बात करें इसमें, ये देखो जरा 10^15 अगर बुढ़े बात करें प्रोटियम है इनवर्स में, तो उसमें बुढ़े बात करें एक कौन होगा, ट्राइटियम। अगर इसको अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, किसका जो अमाउंट होगा वो 10^-15 होता है, इसका मतलब कि 0.00000000 इस तरीके से करते जाओ, फिर आएगा लास्ट टेबल, समझ पा रहे, इसका ये अमाउंट है ट्राइटियम का, मतलब ट्राइटियम को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, मिनिमम हमारे पास अमाउंट ऑफ, समझ पा रहे, हाइड्रोजन आइसोटोप, मतलब हाइड्रोजन आइसोटोप का सबसे कम बेटा बात करें अमाउंट वाला आइसोटोप या अमाउंट वाला फॉर्म है। एबंडेंस सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ बेटू बात करें, प्रोटियम की, उसके बाद किसकी होगी, ड्यूटेरियम की, उसके बाद किसकी होगी, ट्राइटियम की। तो आपको ये नहीं देखना है कौन कितना है, बस इतना देखना है कि सबसे ज्यादा पाया भी कौन जाएगा बेटा बात करें, नियरली 99.5% से भी ज्यादा होता है, सोच पा रहे दोस्त, बाकी ये होता है, सबसे कम कौन होगा, वो होगा। तो आपको ये नंबर याद नहीं रखना है, बस याद रखना है, क्योंकि मुझे आपको रटवाना नहीं है ना, बहुत सारी थ्योरी देनी है। अब देखो जरा बेटा बात करें, अब हमने देखा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बताओ बेटा प्रोटियम का कितना है, प्रोटियम का देखो ना एटॉमिक मास कितना, 1, ड्यूटेरियम का देखा बेटा कितना है, बोलो 2, एटॉमिक मास है ना ये, कितना है बेटा बताओ, 2, और ट्राइटियम का कितना, 3। नेक्स्ट नंबर पर आ जाओ, हमारे पास फिर क्या आते हैं, बोलो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 1, 1 और 1, सबके क्या है दोस्त, 1, 1 और 1, नहीं समझ में आ रहा, एटॉमिक नंबर के अलावा अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो क्या देखते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना दोस्त, 1, 1, 1, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बोलो बात करके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना दोस्त, 1, 1 और 1। अगर बेटा आपने देखा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बन बन है, तो इसका मतलब इनकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इसलिए अपन केमिकल प्रॉपर्टी क्या करते हैं, सबकी अलग अलग नहीं पढ़ते, समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन, क्या आते हैं दोस्त बताओ, न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन आपने वीडियो बात किया अगर देखा है, जी बिल्कुल, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, न्यूट्रॉन कभी अगर कभी आपको निकालना है तो क्या करेंगे, एटॉमिक, जी बिल्कुल, मास माइनस क्या करोगे दोस्त, हमारे पास एटॉमिक नंबर, करोगे नहीं करोगे, तो इस तरीके से अपन कर देते हैं, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, सोचो एटॉमिक नंबर 1,
एटॉमिक एटॉमिक मास वन एटॉमिक नंबर वन, वन माइनस वन करूँ कितना आ जाएगा दोस्त जीरो. एटॉमिक नंबर टू एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर वन, टू माइनस वन करूँ कितना आएगा दोस्त वन. एटॉमिक मास थ्री एटॉमिक नंबर वन, थ्री माइनस वन करूँ कितना आएगा टू. तो इस तरीके से हमने देखा बेटा, बात करें पूरी केमिस्ट्री में केवल एक ही एलिमेंट का एक ही आइसोटोप है. आप ये नहीं बोल सकते कि गुड़िया मैं पूछूंगी बताओ कौन सा एलिमेंट ठीक है न्यूट्रॉन नहीं रखता है, तो आपने बोला हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बोले जैसे मैंने एलिमेंट बोला तो आपने हाइड्रोजन बोला तो गलत नहीं है, लेकिन मुझे एलिमेंट बोलना नहीं चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कौन सा गुड़े बात कर रहे हैं फॉर्म. समझ पा रहे किस एलिमेंट का कौन सा फॉर्म क्या रखता है, जीरो न्यूट्रॉन रखता है या उसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर जीरो होता है. तो फिर आप बोलोगे क्या बेटा बात करें प्रोटियम ऑफ हाइड्रोजन. सोच पा रहे क्योंकि अगर आपने हाइड्रोजन बोल दिया तो उसमें ड्यूटेरियम भी तो है और ट्राइटियम भी तो है, तो इसका मतलब क्या बोलना पड़ेगा अपन को प्रोटियम फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का प्रोटियम जो आइसोटोप होता है प्रोटियम रूफ होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होता है जीरो होता है. और इसमें क्वेश्चन आता है इसीलिए ये सारे के सारे किसमें गुड़े बताओ हमारे पास डिसिमिलेरिटी शो करते हैं आपने देखा न्यूट्रॉन में. और न्यूट्रॉन की वजह से ही तो दोस्त हमारे पास क्या आता है बताओ गुरु बात करें एटॉमिक मास आता है. एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है अगर कभी आपको ए निकालना पड़े तो आपको बताया था ना एटॉमिक मास बराबर होता है सोचो न्यूट्रॉन आपने क्या बोला जी बिल्कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अरे बोला कि नहीं बोला तो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बोलो बात करें एक तो दो हो जाएंगे प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जीरो तो एक हो जाएगा. प्रोटॉन बेटा बात करें टू और न्यूट्रॉन बेटा प्रोटॉन बुढ़िया बात करें वन और न्यूट्रॉन कितना होगा दो तो तीन हो जाएगा. समझ पा रहे जैसे तो अपन ने क्या देखा बेटा बात करें न्यूट्रॉन की डिसिमिलरिटी शो करती है सारे के सारे क्या आइसोटोप ठीक है. इसको जरा पढ़ो नोट करो फटाफट. हाँ दीदी बात करें कुछ और देखना आपको अगर कभी आप कैसे क्वेश्चन आ जाता है जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का आ गया कभी मेल्टिंग पॉइंट और बोलो क्या बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कभी गलनांक और कथनांक. तो दीदी याद रखना जिसका हमारे पास जो ज्यादा पाया जाएगा समझ पाए कंडेंसेशन उसका ज्यादा होता है मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा बताओ. ये नेचर में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है दोस्त क्योंकि स्टेबल है सबसे ज्यादा इससे सबसे ज्यादा मात्रा में है. प्रकृति में गुड़िया बात करें वो ही आपको मिलेगा जो प्रकृति के साथ किसमें बैलेंसिंग स्टेट में स्टेबल है. जैसे अपन ने देखा था प्लांट में हर्ब्स और ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है आपको पता है ट्री है. इसलिए सबसे ज्यादा गुड़े जंगल में सबसे ज्यादा बड़े बड़े कौन होते हैं ट्री होते हैं. ट्री ही नेचर मतलब नेचर को नेचर जो है वो ट्री को फेवर करता है. समझ पा रहा हूँ. तो आपने क्या देखा बेटा बात करें कभी आपसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो प्रोटीन सबसे ज्यादा बेटा बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखता है उसके बाद ड्यूटेरियम का होता है देन किसका होता है ट्राइटियम का. तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली ठीक है किसका कितना ज्यादा होता है हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो ये आपको याद रखना है. करो नोट बेटा इसको फटाफट आ गया तो इन पॉइंटों को मैं बोल रहा हूँ शायद आप नोट नहीं कर पाएंगे. जरा देखो बेटा ट्राइटियम को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें बोलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट. क्या बोलते हैं दोस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब बेटा बात करें रेडियो सक्रिय एलिमेंट है. रेडियो अगर एक्टिव एलिमेंट है तो बोलो बताओ इसका हाफ लाइफ पीरियड भी तो कुछ होगा. इसका हाफ लाइफ जी 12.33 ईयर होता है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसको प्लीज याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी ने अलग से ज्यादा कुछ इसको फोकस कर रखा है. समझ पाए 21 मिनट किसका होता है याद है कुछ चलो बताता हूँ सीजियम का कि फ्रांसियम का 19 मिनट की 21 मिनट चलो बताओ. अब जरा देखो जी देखो तो इसका कितना होता है बेटा बताओ हमारे पास 12.33 ठीक है ईयर किसका इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट का. रेडियो एक्टिव कौन होता है बेटा बात करें ट्राइटियम ठीक है. इसका मतलब ये क्या है एनर्जी का सोर्स है जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो किसका सोर्स है दोस्त वो एनर्जी का सोर्स है. तो ये होता है सोर्स ऑफ एनर्जी. अब ये अगर रेडियो एक्टिव है तो बुढ़े बात करें कौन से एनर्जी मतलब किस फॉर्म में निकालता है आपको बताए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेस के फॉर्म एनर्जी का इमिशन करते हैं इलिमिनेशन मतलब क्या करते हैं इमिशन का मतलब क्या उत्सर्जन करते हैं जिसको अपन ने बोला अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में. ये किस फॉर्म में गुड़िया एनर्जी रिलीज करता है बीटा के फॉर्म में. समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो ये क्या करता है बीटा रेस क्या करता है इमिशन करता है. तो इमिशन ऑफ बीटा रेस और बीटा रेस को बोलो अपन ने लाइक किसकी तरह कंसीडर किया था एज अ इलेक्ट्रॉन आ रहा था नहीं आ रहा था. अपन ने जब देखा था आपको क्वेश्चंस आपको हैवी एलिमेंट को गुड़े बात करें किसमें स्टेबल लोअर एलिमेंट मॉडरेट एलिमेंट में थोड़ा था एक लार्ज साइज का जो बेटा बात करें अनस्टेबल हमारे पास न्यूक्लियर थे एलिमेंट के उनको अपन ने क्या किया था मॉडरेट एलिमेंट में. ना तो बेटा नेचर में स्मॉल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं स्मॉल एलिमेंट मिल मिलकर क्या बनाते हैं हैवी एलिमेंट जैसे अपने बोला हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम जैसे एलिमेंट बनाते हैं. सबसे स्टेबल कौन होता है आयरन न्यूक्लियर पूरी केमिस्ट्री में सबसे स्टेबल कौन सा है आयरन का न्यूक्लियर. समझ में आयरन के न्यूक्लियर को तोड़ना सबसे ज्यादा टफ होता है. नियरली बेटा बात कर 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से एनर्जी निकलती है या उसको आयरन को हम ब्रेक करते हैं. और अपन ने देखा बेटा बात मत इसका मतलब ना छोटे एलिमेंट स्टेबल छोटे जो एलिमेंट होते हैं वो मिलकर के एक मॉडरेट एलिमेंट बनाते हैं मतलब छोटे छोटे तत्व मिलकर के बनाते हैं मध्यवर्ती तत्व. और बेटा बात का बड़ा एलिमेंट भी स्टेबल नहीं होता इसलिए वो टूट करके क्या बनाता है बेटा मॉडरेट छोटे नहीं बोलना है मॉडरेट बोला एक्सिट मीडियम. बड़े टूट करके मध्यम बनाएंगे और छोटे जुड़ करके क्या बनाएंगे मध्यम मतलब नेचर में कौन प्रकृति में एग्जिस्ट कर रहा है मध्यम एलिमेंट. सबसे ज्यादा गुड़िया बात करके कोई पूछे बताओ जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है आयरन की किसकी होती है आयरन की मॉडरेट एलिमेंट की याद रखना आपको.
तो अपन वहां पे पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी करके, समझ पा रहे, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये हमारे पास कंडीशन आएगा। अब अभी इसको देखो, मतलब अगर हमारे पास ये क्या है बेटा, बात कर रेडियोएक्टिव है तो ये एनर्जी निकालेगा, एनर्जी किसके फॉर्म में निकलता है, बीटा रे के फॉर्म में। बीटा रे किसकी तरह काम करता है, एज अ इलेक्ट्रॉन, समझ में। और अपन देखा था कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट है, अगर वो एनर्जी बेटा अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में निकालते हैं तो अल्फा पार्टिकल को अपने कंसिडर किया था एज अ हीलियम न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम की हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का नाभिक, अगर आपको याद आ रहा है तो याद रखना बेटा बात की इस फॉर्म में एनर्जी निकालता है। दूसरा अपन ने क्या देखा, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम की अगर बात करें बोलू तो ड्यूटेरियम क्या करता है, ड्यूटेरियम को अपन बोलते हैं हैवी एलिमेंट, क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें, पक्का हैवी न्यूक्लियस बोलते हैं, हैवी बेटा बात करें एलिमेंट बोल दो, हैवी एलिमेंट गुड़िया बात करें हमारे पास है ये कौन सा है बेटा बात करें, हैवी एलिमेंट। इसकी गुरु बात करें, डिस्कवरी किसने की थी बताओ बेटू बात करें, हैरोल्ड सी यूरे, किसने की थी बताओ गुरु बात करें, हैरोल्ड सी यूरे ने, इसको इसकी डिस्कवरी के लिए अपने दे दिया क्या बताओ, एक छोटा सा प्राइज, इसका नाम क्या है, नोबेल प्राइज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए इनके सम्मान में कुछ बात करेंगे। बाकी किसकी तरह यूज होता है वीडियो बात करें, केमिस्ट्री में एज अ मॉडरेटर, समझ पा रहे, मंदक के फॉर्म में यूज करना आपको, ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। अच्छा तो आप जब भी देखोगे बेटा बात करें किसको देखोगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को, तो बताओ प्रोटियम से ज्यादा किसका होगा, ड्यूटेरियम का, और ड्यूटेरियम से ज्यादा गुरु किसका होगा, ट्राइटियम का। ये गुरु बात करें किसके आधार पर देखना अपन को, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दीदी बात करें बिल्कुल मास के अकॉर्डिंग बेटा बात करें, भार के अकॉर्डिंग, इसमें भार मेन क्राइटेरिया होता है। आप खुद सोचो ना गुरु बात करें, बताओ ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी बेटा बात करें, ज्यादा एनर्जी अगर मुझे गुड़े बात करें उबालना है, समझ पा रहे, दूध को उबालना और पानी को उबालना है, बताओ ज्यादा गुड़े बात करें बॉइलिंग पॉइंट किसका, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अगर उबालना है तो दूध को उबालना है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दूध का होगा कि पानी का, दूध का, क्योंकि दूध गाढ़ा होता है, समझ में आ रहा है, भार ज्यादा होता है, ये कंडीशन है। चलो एक लीटर पानी को तोड़ना, एक लीटर दूध को तोड़ना, बताओ किसका भार ज्यादा निकलेगा, दूध का ज्यादा निकलेगा, कौन सा, एक लीटर पेट्रोल को तोड़ना, एक लीटर गुड़े बात करें किसको, पानी को, कौन ज्यादा निकलेगा, समझदार मतलब, ठीक है ना। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पानी का कि पेट्रोल का, भार के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा अपने घनत्व, घनत्व गुरु बात कर भी वही पैरामीटर है भार के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है दोस्त, जिसका घनत्व गुरु बात, जिसका भार ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा होता है, जैसे मेटल घनत्व ज्यादा है बताओ कि पानी का, अरे मेटल घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व का मतलब पता है ना, मास ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ये वाली। तो इस तरीके से बेटा बात, बस उनको एक बार देख लेना, ठीक है, बाकी कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। चलो बताओ पकड़ो इसको, देखने के तरीके हैं ये, अच्छा हुआ उस बुक को अपने देखा नहीं, देखा दोस्तों, टेबल सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी की बात कर चीजों को, वो क्या करता है डाटा बेस करके दे देता है, ताकि आप क्या करो डाटा के अकॉर्डिंग देख लो कि हाँ बाकी इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, ये इतना है। नेक्स्ट अपन आते हैं किसके वीडियो बताओ, हमारे पास फॉर्मेशन मेथड और मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, तो डाइहाइड्रोजन बनाने की विधियां। अब वीडियो बात करें दो तरीके से, जब भी आप यहाँ एनरोल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, दो मेथड हमेशा पढ़ोगे, एक वीडियो बात करें लेबोरेटरी टेस्ट मेथड, दूसरा हमारे पास होता है कमर्शियल मेथड, मतलब व्यापक पैमाने पर व्यापार करने के लिए गुरु आपको ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा। ग्लूकोज बनाने के लिए भी तो मैंने देखी थी, याद आ रहा कुछ, लेबोरेटरी मेथड और बेटा देखा था कमर्शियल मेथड, पढ़ा था ना अपने बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज, ऐसी वीडियो बात करें यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन को वीडियो बात करें बनाने की मेथड, प्रिपरेशन मेथड, जरा चीज देखो बेटा, प्रिपरेशन अगर मेथड की बात करें हमारे पास, तो पहला पॉइंट ये आता है, पहला पॉइंट कौन सा बताओ हमारे पास दोस्त, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, जैसे अपन फर्स्ट मेथड देखना चाहें तो उनको अपन बोलते हैं लेबोरेटरी, क्या बोलते बताओ दोस्त, मतलब प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, मेथड सबसे ज्यादा अभी तक आपने जो भी पढ़ा है बुढ़िया बात करें, उसमें सबसे कुछ इंपोर्टेंट था तो वो था आइसोटोप, और दूसरे नंबर पे बेटा बात करें क्या ये, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड में आप बुढ़िया बात करें किससे बना सकते हो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बुढ़िया बात करें अपन देखना चाहें तो क्या करो, जिंक के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है ना, जैसे जिंक है, पर बोलू बात करें जिंक आपको कैसे लेना बेटा बात करें, ग्रेनुलेटेड, मतलब दानेदार, मतलब हाई डेंसिटी का, समझ में आ रहा है, तो ग्रेनुलेटेड बेटा बात करें हमारे पास जिंक होता है हाई डेंसिटी वाला, ग्रेनुलेटेड की बात कर जिंक होता है, इसके साथ आपको रिएक्शन करना बेटा एसिड, समझ पा रहे, किसी भी एसिड की रिएक्शन कर दो, HCl H2O को किसी की भी कर दो, अगर आप रिएक्शंस करोगे तो बेटा बात कर यहाँ पे बोलूं जो Zn है वो किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ, समझ में आ रहा है बेटू, इसका मतलब जिंक क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा बेटू बात करें किसको, हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से, HCl क्या है सोल्यूशन ही तो है, एक्वस सोल्यूशन,
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चाहे H2SO4 ले लो। और आपने अच्छे से देखा था दोस्त, क्या देखा था बताओ? आपने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक कहाँ था? ऊपर था। और बुरे बात कर हाइड्रोजन कहाँ था? नीचे था। अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर एलिमेंट लोअर एलिमेंट को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन से। इसका मतलब बुरे बात कर जिंक तो इधर आ जाएगा, बी टू बात कर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। पर आपको पता जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसका मतलब मुझे कितने एससीएल लेने पड़ेंगे? 2 HCl। तो यहाँ बेटा बात करें क्या निकल जाएगा? ZnCl2 और साथ बेटा आपको मिल जाएगा क्या? आपका H2। समझ में आ रहा नहीं यार? बताओ H2 गैस मिली कि नहीं मिली बेटा बात करें? तो ये मिल गई आपको आपकी H2 गैस और आप इसको आराम से निकल जाएगी गैस के फॉर्म में। तो ये हमारे पास पहली मेथड थी। लेकिन आपको पता होता है लेबोरेटरी मेथड का मतलब होता है बात करें ट्रेस अमाउंट में कि बस ये चाहिए कि हाइड्रोजन बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बेटू बात करें इसको किससे बना सकते हैं? एसिड से बना सकते हैं, तो अपन बेस से भी तो बना सकते हैं। तो पहले गुड़े बात करें लेबोरेटरी मेथड में सबसे पहले गुरु किससे बनाया बताओ बेटा बात करें? फ्रॉम एसिड। किससे बनाया? एसिड के साथ। अब अगली बार गुड़े अपन किससे बनाएंगे बताओ बेटू बात करें? बेस से बनाएंगे, फ्रॉम बेस। तो जब उसी बेटा बात करें ग्रेनुलेटेड जिंक की रिएक्शन, आपको इसी जिंक की रिएक्शन किसके साथ कर देनी बेटा बताओ? हमारे पास ग्रेनुलेट मतलब दानेदार जिंक की रिएक्शन किसके साथ करना है? बेस के साथ। NaOH ले लो, KOH ले लो, जो लेना वो ले लो, ठीक है। ये भी गुड़िया बात कर इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है। तब आपको पता होता है क्या कंडीशन हो जाएगी बताओ बेटू बात करें? जो जिंक है समझ में आ रहा है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? NaO के साथ। मतलब यहाँ पे बनेगा बेटा बात करें आपका क्या? यहाँ पे बनेगा हमारे पास सोडियम जिंक, मतलब Na2। सोच पा रहे दोस्त? Na2 जल्दी बोलो, ZnO2 और प्लस बन जाएगा बेटा बात करें क्या? बोलो H2। समझ पा रहे? अब हमारे पास दो Na है तो इसका मतलब हम कितने ले लें? 2 ले लें। यहाँ पे दो NaOH के लिए हमने उठा लिए, 2 सोडियम चाहिए थे, तो 2 Na हो गया बेटा, एक जिंक हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो बताओ 2 हाइड्रोजन बचे कि नहीं बचे? तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ऐसे क्या हो जाएंगे बेटू बताओ? सोचो, निकल जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये आपको बेटा बात कर हाइड्रोजन मिल जाएगी एसिड से और बेस से। सीधी सी बात है, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेटू बात करें बेस उठा लो, कोई भी बेस उठा लो, कोई भी आप क्या ले लो? एसिड ले लो। सोच पा रहे? अब आता हमारे पास बेटू बात करें सेकंड नंबर। सेकंड नंबर की बात करो तो सेकंड गुरु बात करें कौन आएगा बताओ? अब आएगा हमारे पास कमर्शियल मेथड। क्या है दोस्त? कमर्शियल का मतलब बड़े पैमाने पे अगर मुझे हाइड्रोजन चाहिए तो मैं किसका यूज करूँ? यहाँ पे आप हल्का फुल्का हाइड्रोजन बना सकते हो, एसिड थोड़ा सा यूज करोगे, बेस भी थोड़ा सा यूज करोगे, ठीक है। तो अब कंडीशंस क्या आती है, हमें चाहिए कि भाई कमर्शियल पर्पस से अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए तो आप बुढ़े उस पर्पस को या उस मेथड को सिलेक्ट करते हो जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो और बेटा बात करें बेनिफिशियल मतलब फायदा बहुत ज्यादा हो। समझ पा रहे? लेबोरेटरी में तो आप देखते हो कि बस मुझे बनाना है, चाहे कोई कितना भी सब्सटेंस कॉस्टली पड़ जाए। एसिड और बेस को बनाना बेटा बात करें कोई सिंपल है क्या? एसिड बेस लेने जाओगे तो कितना कॉस्टली पड़ेगा आपको? सोच पा रहे? लेकिन अगर हमें वीडियो बात करें बड़े पैमाने पर व्यापक पैमाने पर हाइड्रोजन चाहिए तो फिर आप इनका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें आप जो भी बेटा बात के मेथड यूज करोगे वो आपको हाइड्रोजन तो कम अमाउंट का देगा, कम फायदे का, मतलब कम पैसे की हाइड्रोजन मिलेगी मुझे, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कौन बनाना चाहेगा इसको? इसका मतलब ये तरीका सही नहीं है कमर्शियल के लिए। तो कमर्शियल मतलब बिजनेस, फायदा। तो फायदे के लिए मैं लो बुढ़े बात करें क्या करूं? इन्वेस्ट करूं और हाई बुढ़े प्रॉफिट कमाऊं। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कमर्शियल मेथड, व्यापारिक विधियां। अब व्यापारिक विधियों में अगर अपन देखना चाहो तो सबसे पहले वीडियो बात करें क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर तो कितना फ्री का है, किसी नदी के किनारे सेटअप बना लो। समझ पा रहे? कोई रोक रहा है कि नदी किनारे बेटा बात करें कि पानी मत दो नदी का, काम हो रहा है 5 लीटर पानी यूज कर लिया आपने, तो अपन क्या करें? चलो हम किसी का नहीं लेंगे, गड्ढा खोद लेंगे, बरसात का पानी इकट्ठा कर लेंगे, उससे तो बना सकते ना। तो हमारे पास आया था बेटू बात के सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या करते गुरु बताओ? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पर वाटर गुड़े बात कर हल्का सा एसिडिक हो या बेसिक हो, हल्का सा एसिड बेस मिलाने से क्या होता है? उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अपन इसी को बोल सकते हैं क्या बेटू बात करें? एसिडिफाइड वाटर। क्या बोल सकते हैं गुरु बताओ? एसिडिफाइड या बेटू बात करें एल्किलाइड वाटर। तो एसिडिफाइड वाटर मतलब वाटर का सीधी सी बात क्या करना है आपको? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब जानते हो ना, पानी भरो गुड़िया बात करें एक हमारे पास समझ पा रहे चेंबर में और उसमें क्या डाल दो? इलेक्ट्रोड डाल दो और हीट दे दो उनको आपस में। तो जैसे ही बेटा बात की हीट मिलेगी पानी के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। सोच पा रहे? तो ये कंडीशन है अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हमारे पास वाटर की, ठीक है। और ज्यादा गुड़िया बात करें अगर रिएक्शन की रेट को बढ़ाना, कोई कैटलिस्ट डाल दो। सोच पा रहे? तो हम कैटलिस्ट की बैलेंस में कर लेते। अब आपने वाटर लिया, वाटर गुड़िया बात करें लिया और उसका क्या करा दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करा दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना। लाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना। और गुड़िया बात करें किसका टूटना? किसी मॉलिक्यूल का टूटना, पर किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से बेटा बात करें हमारे पास किसी मॉलिक्यूल का टूटना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटना। तो ये किसमें टूटेगा बताओ जरा बेटू बात करें? किस किस में टूटेगा?
किसमें टूटेगा? जैसे सोचो H2 किसमें टूटेगा? H2 प्लस बुढ़े बात कर हाफ O2, कितनी समझदार है यहाँ। तो इस तरीके से बताओ मुझे अपनी हाइड्रोजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो दोस्त, बताओ हमारे पास हाइड्रोजन गैस बना सकते हो, ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये तो डबल फायदा हो गया ना दोस्त। अब ऑक्सीजन बनाने की मेथड भी तो यही है, हाइड्रोलाइसिस कर लो तो बेटा बात कर ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो आप एक मेथड पढ़ रहे हो और आप साथ में दूसरी मेथड भी पढ़ रहे हो, और तीसरा बुढ़े बात करें प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो वाटर की। अभी वाटर आप पढ़ोगे आगे चल किसी टॉपिक में वाटर, तो वाटर की भी प्रॉपर्टी है, समझ पा रहे हो? मतलब अगर इसी को बोल सकते हैं थर्मल बुढ़े बात करके डिकम्पोजिशन, मतलब टेम्परेचर दे करके जब हम वाटर को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। चलो ये ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अगर अपन बुढ़े बात करें सेकंड मेथड देखना चाहें तो सेकंड मेथड कौन से हमारे पास, इसमें बुढ़े बात कर बताए आपने क्या देखा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है उसमें ऑक्सीजन भी तो बराबर अमाउंट में है, मतलब इतनी ज्यादा प्योर नहीं होती है। लेकिन मुझे अगर प्योर बुढ़े चाहिए, क्या चाहिए बताओ बेटो? प्योर हाइड्रोजन चाहिए जिसमें इम्प्योरिटी बहुत कम हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा बात कर बताओ, नियरली 99% या बेटू बात करें इससे भी ज्यादा 99% से भी ज्यादा प्योर मुझे क्या चाहिए बताओ बेटो बात करें, मोर देन 99% प्योर हाइड्रोजन, क्या चाहिए बताओ? मोर देन 99% प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, बहुत अच्छे दोस्त बुढ़े बात करें, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, समझ में? सॉल्यूशन तो उसमें भी चाहिए बुढ़े बात के वाटर का, पर वो किसका होगा दोस्त बताओ हमारे पास? बेरियम हाइड्रोक्साइड का, BaOH का होल ट्वाइस। ये सबसे इंपोर्टेंट मेथड है, इसलिए याद रखना, क्योंकि आपने देखा कमर्शियल मेथड है और दूसरी आपने क्या देखा बेटा बात करें कि प्योर हाइड्रोजन मिल रही है। तो बुढ़े एक ही मेथड का यूज सीधा यूज करो कि हमें ये मेथड यूज करें तो हाइड्रोजन मिल जाएगी, और उसमें भी आपको फिर प्यूरिफिकेशन के अलग से मेथड लगानी नहीं पड़ेगी, समझ पा रहे? यहां करोगे तो पहले तो हाइड्रोजन मिलेगा, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए आपको अलग से प्योर करने के लिए मेथड यूज करनी पड़ेगी, तो थोड़ा खर्च हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट आपको जो हाइड्रोजन मिलेगी वो प्योर ही मिलेगी। तो मोर देन 99% वीडियो बात करें हमारे पास 99.99% अगर हाइड्रोजन मिल रही है या मोर देन 99% हाइड्रोजन आपको प्योर मिल रही है तो इससे अच्छी कोई मेथड हो नहीं सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड वीडियो बात करें किसका कर रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, समझ पा? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर दीदी करते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो इसमें हम यूज क्या करते हैं बात करें, समझ पा रहे? यूज टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, किसका यूज करना दोस्त? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही इनके प्योर होने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपने देखा दोस्तों हमारे पास कि अगर आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज नहीं किया, अगर दूसरे इलेक्ट्रोड यूज किए तो दूसरी मेटल जो होती है वो रिएक्टिव होती है। तो जैसे हाइड्रोजन बनेगी ना, हाइड्रोजन को अपने ऊपर जोड़ लेंगी दीदी बात करो, कंपाउंड बना लेंगे, समझ में आ रही नहीं आ रहा? जैसे अपन ने बेटा बात करें दूसरे कोई कार्बन कार्बन का यूज किया ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मतलब कार्बन ही तो है, तो कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके CH4 बना सकता है, CH2 बना सकता है, समझ में आ रहा? तो दूसरे कंपाउंड भी बना देगा, हमें लगेगा कि हमारे पास क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है, और हाइड्रोजन जैसे ही कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या बना लेगा? मीथेन, मीथेन, समझ में आ रहा है? तो हम चाहिए था हाइड्रोजन और मिल जाएगा आपको क्या? मीथेन, मीथेन उसके साथ, मतलब इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैसे होते दोस्त? इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं ये इलेक्ट्रोड है बुढ़े बात करें इनर्ट, मतलब ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद बेचारे इनर्ट है। इस दुनिया की सबसे महंगी अगर कोई मेटल है तो कौन सी? प्लेटिनम मेटल। आप उन क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं इसको, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, समझ पा रहे? व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना, मतलब सोने से भी महंगा है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को आजकल देखा वो चेन का क्रेज है दीदी बात करें, ब्रेसलेट का, सलमान खान पहनता है याद है? तो वो कहेगा चांदी का पहनता है, हमें दिखता है व्हाइट कलर का, वो व्हाइट मिट्टी बोलते उसको, मतलब सफेद दीदी बात करें सोना। तो ये प्लेटिनम होता है क्योंकि ना गंदा होता है ना किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना आपकी स्किन को एलर्जी करता है। आपने देखा कई लोग गोल्ड की चेन पहनते हैं तो उनकी स्किन को क्या करता है? एलर्जी कर जाता है, तो वहां पे दाने दाने आ जाते हैं, ठीक, कई बार बेटा स्किन के इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये वाली कंडीशन है। अगर आप इसमें देखना चाहें तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम वीडियो बात करें बेरियम हाइड्रोक्साइड को लिया, इसमें बुढ़े इसका पानी भी तो है, तो जब आप क्या करोगे रिएक्शंस के लिए जब इसको आप तोड़ोगे तो ये किसमें टूटेगा? आपको पता होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन BaOH का होल्ड है ना, अगर आपने बेटा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करोगे सॉल्यूशन में, अरे ऐसा पता है ना आपको कैसे करते हैं ये भैया? इसमें आपने क्या ले लिया? बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, साथ में बुढ़े बात करें पानी भी तो है, और यहाँ पे आपने क्या इलेक्ट्रोड ले लिया? एनोड ले लिया और कैथोड ले लिया, नहीं समझ में आ रहा आपको? तो जब बुढ़े बात इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो टूट जाएगा, अब टूटेगा तो क्या बनेगा? OH नेगेटिव बैरियम प्लस, अरे बनेगा प्लस टू करके, ये OH बन जाएगा। अब बैरियम प्लस टू कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। और बुढ़े बात कर जो OH जाएगा वो कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर वाटर भी टूटा तभी तो OH बनना है। तो इस तरीके से कंडीशन आती है। अगर हमने देखा बेटे बात कर तो बनेगा क्या? BA+2+ बुढ़े बात कर क्या बनेगा? OH, बुढ़े बात करें, ठीक है, -1।
तो 2H-1+1 नहीं बनेगा। आया समझ में कि नहीं है दोस्त? इस तरीके से गुड़िया बात करी कंडीशन हो जाएगी। अब बेरियम कहाँ चला जाएगा? बेरियम चला जाएगा गुड़िया बात करें कहाँ पे? कैथोड पर। ये एनोड है, एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कैथोड में क्या होता है बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन स्टेट का कम होना। तो अब ये मूव कहाँ करेगा बेरियम? बेरियम चला जाएगा एनोड पर। अगर बेरियम एनोड पर जाएगा तो बेरियम क्या करेगा? बेरियम एनोड पर क्यों जा रहा है? क्योंकि आपको पता है बेटा बात का एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जाते जाते नहीं जाते। टू इलेक्ट्रॉन अगर यहां गए होंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब अपन ने क्या देखा कि बेरियम जाएगा कैथोड पर, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा? बेरियम। तो बेरियम आयन गया था कि नहीं गया था? और बेटा बात करिए बेरियम क्या होगा कैथोड की सरफेस पे क्या होता जाएगा? डिपोजिट होता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब मेटल की वहां पे ऊपर क्या होती जाएगी? कवरिंग होती जाएगी। आया समझ में? और फिर बाद में बुढ़े बात करें कैथोड को निकाल करके उसको छील लेंगे तो पूरा का पूरा बेरियम प्योर मिल जाएगा आपको। तो ये हमें मिल गया क्या? बेरियम। अब दूसरी बात करें, अपने देखा कहां पे? कैथोड पर। कैथोड पे बुढ़िया बात करें कौन जाता है? कैथोड पे अगर हम बात करें तो जाएगा कौन? जी कौन जाएगा? कौन जाएगा कैथोड पे बुढ़िया बात करें? ओएच जाएगा। कई बार आपकी बुक में क्या कर देता है? वाटर को तोड़ देता है। तो वाटर को भी तोड़ोगे तो किसको तोड़ोगे? एच प्लस ओएच नेगेटिव में। तो मैं सीधा ले रहा हूँ किसको? ओएच को। अगर ओएच को बात कर जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी बताओ? यहाँ पे बेटा एच टू बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे एच टू बनेगा। और एच टू क्या करेगा बेटा बात? एच टू बनेगा और साथ में क्या बनेगा बताओ? बोलू बात हमारे पास देखा आपने एच टू मतलब 2H2O बना कि नहीं बना? अरे बना 2H लिए तो अरे एच टू बना कि नहीं बना? और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? दो बुढ़े बात कर माइनस है तो क्या निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा दोस्त? 2 इलेक्ट्रॉन। और अब बच्चा हमारे पास क्या? एक ऑक्सीजन। तो साथ में क्या निकलेगा? हाफ O2। अरे निकला कि नहीं निकला? ये वाली कंडीशन है। तो वो तो मैंने बोल दिया था कैथोड। इसमें काय को कंफ्यूज हो रहे हो? ये कैथोड पे कर दो, ये एनोड पे कर दो। इसको पहले भी बताया नहीं था कि ये कहां पर होगा बेरियम? ये तो लिखने में मिस्टेक होगी। इससे इसमें काय को फोकस कर रहे हो? मैं जो बता रहा हूँ वो समझो आप कि बेरियम अगर यहाँ पे जाएगा तो ये पहले बेरियम को कहां बताया? यहीं पे गया कि नहीं गया? ये तो बैड हैंड का कोई मतलब नहीं कहां पे हो रहा है। इसमें तब से फोकस कर रहे हो फालतू की चीजों पर। ये कैथोड पर हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा है। ये जरा देखो ये टूटता है किसमें? OH किसमें टूटेगा? वाटर में। हाफ O2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो अपन ने क्या बोला था बेटा बात के एनोड से कहां गए थे? कैथोड पे। तो कैथोड पे गया था तो इलेक्ट्रॉन किससे आया आपको? ये OH नेगेटिव से तो आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बात करे कहां से गए? OH ने निकाले एनोड पर, वो इलेक्ट्रॉन तो गए एनोड से कैथोड। तभी तो अपन बोलते हैं कि भैया कैथोड से एनोड कौन बहता है? करंट बहता है। और इस करंट का पता लगाने के लिए अपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या मीटर लगाया था कि नहीं लगाया था? फिजिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। तो इसका मतलब बेटा बात की कंडीशन, तुम लिखने पे मत फोकस किया करो। मेरा वर्ड मतलब मेन फोकस होता है आपको समझाने पर। ये यहाँ पे किसी बात पे फंसे हुए तब से। तो अपने क्या देखा बेटा बताओ? यहाँ पे बेटा बात के बैरियम जाएगा, लेकिन बैरियम गुरु कह के लिए गया इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे? एनोड से। एनोड से अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहा है तो मतलब करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है बेटा? कैथोड टू एनोड। समझ में आ रहा है? अब ये कंडीशन बुढ़िया बात करें यहाँ पे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ये किसमें ले लिए थे देखा आपने? कैथोड ने। तो अरे कैथोड ने मतलब बेरियम ने। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हैं क्या? नहीं, ये तो पूरा बेरियम बन चुका। अब ये बुढ़िया बात करें वाटर कहाँ पे आ गया बताओ? ये वाटर बुढ़िया बात करें अब अगेन किससे साथ रिएक्शन करेगा गुरु बताओ? अगेन अगर अपन देखें तो वाटर को अब तोड़ दो। अब ये वाटर बना कि नहीं बना? अगर इस वाटर को बुढ़िया बात करें हम तोड़ते हैं तो बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास? जैसे H2 बना कि नहीं बना? आया समझ नहीं आया? अगर ये वाटर गुड़े बात करें टूटता है, हाइड्रोलाइसिस किया कि नहीं किया अपने एक सॉल्यूशन का, तो वाटर टूट करके क्या दे देगा आपको? हाइड्रोजन। और अगर अगेन ये बेटा बात करें किसके साथ रिएक्शन करेगा गोलू तो बेरियम के साथ भी, तब भी क्या बन जाएगा? अगर बेरियम और वाटर रिएक्शन करे तब बन जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, अगेन बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और दूसरे गुड़े बात करें हाइड्रोजन निकल जाएगी। सोच पा रहे? तो या तो बेटा बात करें हमने देखा कि बेरियम प्लस वाटर अगर रिएक्शन करेगा, जैसे हमने गुरु टू वाटर उठा ले क्योंकि हमें 2H चाहिए, तो बन जाएगा क्या बताओ बेटा बात करें? बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस प्लस निकल जाएगा क्या बेटा बात करें? हाइड्रोजन गैस। बताओ हाइड्रोजन गैस मिली कि नहीं मिली? और वापस हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई दिक्कत हुई क्या? और अगर बेटा बात करें पानी टूटा, कौन टूटा? पानी। तभी बेटा बात करें आपको पता है क्या बनेगा बेटा बात करें? हाइड्रोजन गैस प्लस बेटा बात करें क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस। तभी मुझे क्या मिलने वाली है? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करना बेटा आपको क्या? बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। आया समझ में? कैथोड एनोड, ये मैंने NaCl वाली रिएक्शन बताई थी। जैसे NaCl वाली रिएक्शन वैसे अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने सारे सेल पढ़े, तो ये तो अपन को आने लगे। गैल्वेनिक सेल पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो ये सारे के सारे अपने को प्रोसेस आने लगे हैं। तो सबसे ज्यादा अपन वीडियो बात करेगा प्योर हमारे पास क्या चाहिए? मुझे प्योर हाइड्रोजन चाहिए। तो मुझे किसका गुड़िया बात इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। और बेरियम हाइड्रोक्साइड की गुड़िया बात करें हमारे पास, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो किस बीटा इलेक्ट्रोड को यूज करोगे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज क्यों करोगे? क्योंकि वो किसी रिएक्शन नहीं करता है। सोच पा रहे? अगर पता चला गुड़िया बात करें कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? OH हुआ। OH के साथ गुड़िया बात करें रिएक्शन खुद प्लेटिनम कर ले, तो क्या बताओ बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाते? इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो पाते तो क्या बताओ बेटा बात करें बैरियम अट्रैक्ट होता कैथोड पर? नहीं होता। समझ में? ये वाली कंडीशंस की बात करनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? थर्ड पॉइंट। तो ये दूसरी मेथड है।
थर्ड मेथड की बात करें दोस्त हमारे पास, आप मुझे बात करें किससे बना सकते हो जी? ब्रांच सॉल्यूशन से। ब्रांच सॉल्यूशन का मतलब क्या है? NaCl का सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन का मतलब क्या है बताओ? फ्रॉम ब्रांच सॉल्यूशन। ब्रांच सॉल्यूशन का भी दीदी क्या करना है? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। मतलब यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है? NaCl सॉल्यूशन। थोड़ा पार्टिसिपेट करो ठीक है, शांति नहीं बैठना, तुम पहली क्लास में नहीं बैठे हो इसलिए बोला था पढ़ के आओ ठीक है, दिक्कत आएगी तो यहाँ इसीलिए तो चाहते कि ये रिएक्शन लिख रखी है क्या बेटी आपकी बुक में? फिर आपको कैसे पता? निकल निकल भी उसी कैटेगरी का है दोस्त, पैलेडियम प्लेटिनम। आपने अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था वीडियो बात करें याद है? कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी याद है? अपने वीडियो बात कर हाइड्रोजनेशन में पढ़ा था, एल्काइन एल्कीन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते तो एल्कीन बनता है, वहां पे निकल पैलेडियम सेबेटियस शेंड्रन्स रिएक्शन बहुत अच्छे। तो अपन ने यहाँ पे वीडियो बात करें निकल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, मतलब निकल में भी लगभग प्लेटिनम की जैसी प्रॉपर्टी होती है, समझ में आ रहा है? इसलिए निकल का यूज करते हैं। तो ये वीडियो बात कर हमारे पास क्या होती है? बस कैटलिस्ट की तरह काम करती है, रिएक्टिव थोड़ी कम होती है ठीक है, तो यहाँ प्योरिटी के ज्यादा चांस बन जाते हैं। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो पूरी बात कर रिएक्शन उठाओ, रिएक्शन उठाओगे तो आप रिएक्शन में जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस पास करोगे फिर से वही करो, एक पूरी बात कर चेंबर उठाओ उसमें क्या कर दिया बेटू बात कर NaCl का हमने सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन पानी क्यों लेते हैं? ताकि पूरी बात करें जो आयनिक फॉर्म में कंपाउंड है वो क्या हो जाए, टूट जाए, अलग अलग हो जाए। ये यहाँ पे बेटू बात करें एनोड ले लो, यहाँ पे हमारे पास क्या ले लो, कैथोड ले लो। अब कैथोड पे हमेशा क्या होता है आपको पता है, रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन मतलब जिसका चार्ज कम हो, तो चार्ज किसका? पॉजिटिव का ही तो कम होगा। और गुड़े बात की ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, जिसका ऑक्सीडेशन बढ़े तो नेगेटिव कहां मूव करता है? एनोड पर। अरे यार रख नहीं, नेगेटिव वाला मतलब एनोड क्यों बोला इसको? क्योंकि एनायन है, मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर गुड़े बात करें एनायन मूव करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोड। और जिस बेटा बात करें इलेक्ट्रोड पर कैटायन मूव करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड इसलिए बोला क्योंकि पॉजिटिव मतलब कैटायन जाता है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को क्या बोला? कैथोड। समझ पाए? और दूसरे बेटे जिससे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है उस पे एनायन जाता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? एनोड। अब गुड़ी बात की जब ये टूटेगा तो बताओ हमारे पास NaCl एक आयनिक कंपाउंड था, इसके जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया गुड़ी बात करें इलेक्ट्रोड किसके बने दोस्त? प्लेटिनम के। अरे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज की निकल के, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना है वो गुड़े बात करें अपन किसके यूज करने यहाँ पे? निकल इलेक्ट्रोड का। लेकिन गुरु बताओ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड करेंगे तो नहीं होगा क्या? तो और अच्छे से होगा। समझ पा रहे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो सबसे बेस्ट है, पर वो बोलते हैं हमारी बुक बोल देती है कि भैया अपन निकल का यूज कर दो, निकल का यूज कर लेते हैं, मेथड यही हमेशा बुक्स में लिखी होती है तो यही आ जाता है। अब अपन ने देखा वीडियो बात कर, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि भैया ब्रांच सॉल्यूशन से बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड किसके यूज करते हैं आप? निकल के ठीक है। जब इसको तोड़ोगे तो बनेगा क्या बताओ बेटा बात करें? बोलो Na प्लस बनेगा और साथ में क्या बनेगा बोलो बात बताओ जरा? Cl निगेटिव बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? Na प्लस प्लस Cl निगेटिव बनेगा, सोच रहे हो? चलो ये बन गया। आगे वाले पॉइंट पे बात करो, अब मैं बात करें कौन जाएगा? Na जाएगा कहाँ पे बोलू बात करे बताओ? कैथोड पर। लेकिन पूरी बात करें कैथोड पे कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन? Cl। जब Cl बेटा बात करे कहाँ जाएगा बोलू बताओ? एनोड पे। तो समझ आ रही नहीं आ रहा? Cl बेटू बात करेगा एनोड पे, एनोड पे आने के बाद Cl2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो हाफ Cl2 निकल जाएगी। अब मैंने गुड़ी आपको बताया कि भैया बताओ एनोड पे, एनोड मतलब कैथोड बता रहा हूँ मैं, कैथोड पे क्या होगा बताओ गुरु बात? अच्छे से जानते रिडक्शन होगा। अरे कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन मतलब यहाँ पे सोडियम आएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये आता है ठीक है। तो Na प्लस होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? तो Na बना देगा, नहीं बना देगा, ये होगी रिएक्शन की नहीं होगी? तो ये बेटा बात कर हमारे पास यहाँ पे हो गया रिडक्शन, क्योंकि सोडियम प्लस वन से कहाँ गया? जीरो में, तो रिडक्शन हो गया। अब आते हैं कहाँ पे? करूँ कैथोड पर ठीक है। कैथोड पे अपन ने देखा बेटा बात कर वाटर भी तो है, अरे तो वाटर का भी तो हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो बेटू बात कर हमारे पास हमने देखा कहाँ पे? एनोड पर ठीक है। बोलो किसको तोड़ेगा अपन बेटा बात करें? सोच पा रहे हो? अरे टूटेगा कि टूटेगा? जब बेटा बात करें H2 वो Cl तो अलग हो गया, Cl तो लेकर ही गया गैस के फॉर्म में। अब अपन देखा कि वाटर टूटेगा तो वाटर खुद किस में टूटेगा बताओ बोलो बात करें? जी जल्दी बोलो बेटा बेटा बात करें जी। पक्का H2 प्लस हाफ O2 बहुत वैसा टूटेगा, अगर ऐसा भी तो टूट सकता है स्टार्टिंग में, जैसे अपने देखा H प्लस और OH निकलेगा वाटर ऐसा टूटेगा। अब अपने देखा बेटा बात करें H प्लस OH के फॉर्म में ये निकल गया, सोच पा रहे? H प्लस और OH के फॉर्म में। अब अगेन बोलो बात करें OH जो है OH किसके रिएक्शन कर सकता है? एनोड पे रिएक्शन करेगा, खुद सोच लो आप जरा।
तुम कई तरीके से सोच सकते इसको। OH एनोड के अटैक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो H+ जाएगा कैथोड की ओर। चलो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखो जैसे बेटा NaCl तोड़ा था आपने, अभी गुड़े बात करें बाटर भी टूटा कि नहीं टूटा, NaCl के साथ 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 में कौन टूटा है, अभी इसको एनोड मत बताओ, अभी बाटर भी ऐसा टूटेगा कि टूटेगा। तो बाटर का बेटा बात कर सोचो, बोलू हमारे पास जो H+ है वो रिएक्शन किसके साथ कर लेगा, Cl के साथ, और सॉल्यूशन में क्या जाएगा HCl, सॉल्यूशन में HCl आ जाएगा। अब हमने क्या देखा था बेटा बात करें कि Na कहां जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बुक लें, कॉपी लें, यहाँ पे कैसे आ रही है। अगर अपन ने देखा बेटा बात करें कि दो चीजें हैं, इसको एक बार और देखो सॉल्यूशन में, एनोड पे आपको क्या मिलने वाला है और कैथोड पे क्या मिलने वाला है। आपने क्या देखा बेटा, बोलू बात करें NaCl की रिएक्शन हुई, क्या बन गया हमारे पास आयन में, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या क्या दो दो चीजें थी ना, एक तो क्या था एनोड, बेटू बात करें क्या कैथोड, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रोड आ गए। और कोई भी सेल किससे दो चीजों से बना होता है, एक तो बेटा इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है, NaCl था, तो Na+ के फॉर्म में रहेगा पानी को, Cl के फॉर्म में, और वाटर को HCl के फॉर्म, मतलब OH नेगेटिव फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता, अरे रहता ही रहता है। तो अपन ने क्या देखा, जैसे बेटू बात करिए बना, वैसे तो हमारे पास H2O भी तो टूट कर क्या बन चुका होगा, H+ और OH नेगेटिव, समझ पा रहे हैं। अब आपने देखा था बेटू बात करें मेटल में, बताओ मुझे मेटल में पहले डिस्चार्ज कौन होगा, Na+ की गोलू बात करें H+, मेटल में डिस्चार्ज पोटेंशियल अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था भैया, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बुरे बात करें ज्यादा होता है पहले होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बताओ Na+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है H+ से कि कम है, देखो पहले उसमें, अरे देख तो लो एक बार, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, पहले डिस्चार्ज कौन होगा, Na+, तो Na+ कहां जाएगा बताओ, इनमें से पता चल गया Na+ को कहां जाना बेटा बात करें कैथोड पर। अब हमने देखा कि Na+ ने बीट कर दिया किसको, H को, मतलब H नहीं जा पाएगा, जा तो एक ही सकता है ना बेटा। अब हमने दूसरा देखा कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है, अब बताओ इनमें ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका होता है, OH का, तो कौन जाएगा बेटा बात करें, OH बीट कर रहे Cl को, तो Cl नहीं जा पाएगा, कौन चला जाएगा, OH चला जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कांसेप्ट है। अगर हमने इसको देखा दोस्त, तो यहां पर कंडीशंस क्या आ जाएगी बोलो बात करें, इनमें से हमने एक चीज देख ली बेटा बात की, दोनों चीजें टूटी, अब जाते हम कहां पे बोलू, सबसे पहले बताओ बेटा बात करें कैथोड पर, गए कि नहीं गए, कैथोड पे हमने बोलू बात करें देखा कि क्या हुआ, सोडियम जाएगा, ठीक है, या फिर एनोड देख लो, एनोड पे गए बोलू बात, एनोड पे क्या होता बेटा याद है, बोलू ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन कौन, ऑक्सीडेशन के लिए कौन जाएगा, जो जिसको अपनी ऑक्सीजन बढ़ानी होगी, तो हमने देखा कि एनोड पे तो जाना है बुरे बात करें किसको, बताओ बेटा बात करें OH को, किसको जाना है OH को। अब OH अगर बेटा एनोड पे जाएगा OH नेगेटिव, तो बोलू किससे बदलेगा, खुद सोचो, दो अगर दो OH गए तो क्या बन जाएगा दोस्त, H2O प्लस, बोलू बात करें हाफ O2 प्लस, बेटा बात करें क्या, सोचो टू इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपने टू OH लिए बुढ़िया बात करें, तो टू इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए, कहां पे आए, एनोड पर। अब एनोड पे जैसे बेटा OH क्या करते जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते जाएंगे, ये H2O पानी में आ जाएगा, मतलब वापस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और हाफ O2 गैस निकल जाएगी। अब बचेंगे केवल कौन बेटा बात, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, इलेक्ट्रोड पर। जैसे यहां पे OH और बेटा बात के डिपॉजिट होता जाएगा, ये रिएक्शंस होती जाएगी एनोड पर, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें कहां जाएंगे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा बेटा बात करें, बताओ एनोड टू कैथोड होगा कि होगा, कैथोड पे बोलू, जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे कैथोड, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या करेंगे, नेगेटिव भी होता जाएगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा किसको, बताओ बोलू बात करें पॉजिटिव कंपाउंड। अब पॉजिटिव दो है Na और गुड़िया H, तो बताओ जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब Na जल्दी जाके यहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बताओ यहां के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, तो फिर H अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब बेटा अब दूसरा आगे कहां पे बोलू, कैथोड पर, कैथोड पे आ गए, तो कैथोड पे हमने क्या देखा, कैथोड पे हमने देखा कि Na आया, कौन आया दोस्त बताओ, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है कि नहीं होता, तो जो जो अपनी ऑक्सीजन स्टेट कम कराना चाहे वो आएगा, यहाँ पे कौन आया दोस्त बताओ, Na+। अब दो इलेक्ट्रॉन माने तो अपन दो Na मान लेते हैं, दो दो क्योंकि आएंगे तो 10-20 ना, बहुत 10-20 आएंगे कि लाखों हजारों आएंगे, तो वही वाली बात है, दो Na बुढ़िया बात करें प्लस आएंगे, ये क्या करेंगे बताओ, यहाँ आने के बाद दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्या बन जाएगा, मतलब बेटा बात करें Na बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे हाँ कि ना, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, बुढ़िया बात करें क्या देखा, ये क्या देखा आपने अभी, क्या देखा फिर, अब Na बना, Na बना कि नहीं बना। अब ये Na बोलू बात कर फिर से रिएक्शन किसके साथ करेगा, वाटर के साथ, ये Na किसके साथ, अरे देखा ना आपने अभी बेटा, ये Na बन चुका बोलू, ये वाटर बना चुके थे, बना चुके थे नहीं बना चुके थे, Na और वाटर बेटू बोलू बात कर फिर से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा, कौन कौन करेगा, Na और वाटर। और आपको पता है वाटर के साथ अगर Na की रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा दोस्त आपका, NaOH, क्या बन जाएगा दोस्त बताओ, NaOH बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा NaOH, और साथ में बोलू बात करें क्या निकल जाएगा बेटा बात करें बताओ,
कौन निकलेगा? अरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये Na+ थोड़ी की OH नेगेटिव जाएगा, समझ में? अगर Na+ है तो पूरे OH आएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस किसके फॉर्म में निकलेगी बेटू बताओ? यहाँ पे आप हाफ एच टू के फॉर्म में, क्योंकि आपने एक लिया, अगर दो Na लेती तो आप दो एच टू लेती तो सीधा एच टू निकल जाता। इसका मतलब फिर Na रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और वाटर बना देगा NaOH और साथ में निकल जाएगी क्या बताओ बेटू? बात करें हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी? हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो मैंने आपको पूरा बताया बेटा कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने स्टेप आपको याद रखने हैं। याद रहेगा नहीं रहेगा? पक्का याद रहेगा। तो सबसे पहले गुड़िया बात करें, जो Na+ था उसको बदलो Na में, और फिर गुड़िया बात करें वो Na रिएक्शन करेगा इसके साथ वाटर के साथ, और फिर मिलेगी आपको क्या बेटा बात बताओ? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आया? ऐसे गुड़े बात कर आप चाहो तो यहाँ कर देना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो ब्राइन सॉल्यूशन का करो गुड़े बात करें, चाहे गुड़े बात के बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का करो, ठीक है? पर आपको पता होता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा साइज बड़ा होता है, मतलब इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा जल्दी हो जाता है, समझ भाई, जल्दी टूट जाएंगे। इसका साइज छोटा होता है तो गुड़े बात करें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, मतलब गुड़िया बात करें मतलब मुश्किल से टूटता है। तो अपन ने बोला ये ज्यादा बेटर है इसके कंपेयर में, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर इसको भी आप कर सकते हैं। इन दोनों में ये जो मेथड आप पढ़ रहे हैं कमर्शियल मेथड, इनमें आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1000 का है तो प्रॉफिट गुड़िया बात करें मोर देन 1000 होगा, मतलब 1000 का इन्वेस्टमेंट करें तो 2000 सीधी की बात करें 1,00,000 2,00,000 जितने चाहे आप क्या कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है? तो कमर्शियल मेथड में हम उन मेथड का यूज करते हैं जिनमें हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो बेनिफिट ज्यादा हो, पूरे बात करें। और लेबोरेटरी मेथड में तो हमारा पर्पस केवल ये होता है कि हाइड्रोजन बनाना होता है चाहे कितने रुपए लग जाए, सोच पा रहा? तो इस तरीके से अपन बेटू बात के इनका यूज कर सकते हैं। आगे बेटू बात के हमारे पास फोर्थ आती है कि आप क्या कर सकते हो, गैसोलीन का यूज कर सकते हो। गैसोलीन का मतलब है बेटू बात का पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का, समझ पाए? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का मतलब है हमारे पास क्या ले सकते हो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, उनसे भी हम क्या बना सकते हैं दोस्त, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, समझ में आ रहा है? अब पेट्रोकेमिकल में गुड़े बात कर चाहे तो अपन किसका यूज कर ले, पेट्रोल का यूज कर ले, चाहे गुड़े बात कर हमारे पास मतलब तो अपन सीधा बोल दे हाइड्रोकार्बन का यूज कर लो। अब हाइड्रोकार्बन नहीं आपके पास तो अकेला गुड़े कोयला का भी यूज कर सकते, क्योंकि कोयला कहां से आता है, हाइड्रोकार्बन से तो आता है, नहीं समझ में आ रहा? तो हमने गुड़े बात कर देखा ये तीन मेथड लिखो, फिर अपन किसकी बात करते हैं, या तो बुक में ही गुड़े बात कर दे, तो चाहे गुड़े कमर्शियल में आप किसका यूज करो, इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिफाइड वाटर का, इसमें भी आप दीदी बात करें निकल का यूज कर सकते हो, पैलेडियम का, प्लेटिनम का, पर सबसे बेटर कौन रहेगा, प्लेटिनम। इसमें बेटा अपन यूज कर सकते गोलू बात कर निकल का, पैलेडियम, प्लेटिनम का, पर सबसे बेटर क्या रहेगा, प्लेटिनम, समझ पा रहे? निकल का, पैलेडियम, प्लेटिनम का सबसे प्यारा क्या रहेगा, प्लेटिनम। पर गुड़ी बात क्या, प्लेटिनम थोड़ा सा महंगा पड़ जाता, नहीं समझे दोस्त आप, ठीक है? तो अपन फिर क्या लिख लेते हैं, निकल का यूज कर लो। हाँ, उसकी जगह फिर दीदी अगर अपन निकल का यूज करते हैं तो फिर आपको टेम्परेचर भी तो ज्यादा देना पड़ता है, नहीं समझ में आ रहा है? तो अपना फोर्थ स्टेप की बात कर लिख गया, हो गया। चलो तो फोर्थ गुड़िया अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम किससे बताओ जल्दी गुड़िया, बात करें हाइड्रोकार्बन, और जिसको अपन बोल सकते हैं कोक, कोक बोलो, कोल बोलो, समझ पा रहे हो, कोयला बोलो, या गुड़िया बात करें जहां उसको हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब जो है तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मतलब किसको जलाओगे गुड़िया बात करें, पेट्रोल को या फिर डीजल को या फिर गुड़िया बात करें केरोसिन को, समझ में आ रहा है? इसको अपन क्या बोलते, क्रूड ऑयल, क्या बोलते बेटू, क्रूड ऑयल, तो इनका यूज कर सकते हैं आप। सबसे पहले अपन फोर्थ स्टेप पर आते हैं, फोर्थ स्टेप हमारे पास है बेटा बात करें क्या, फ्रॉम किससे बताओ जल्दी बोलो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की बात करें नहीं है तो कोक, तो फिर कोक का, कोक मतलब कोयला, समझ पर, हाइड्रोकार्बन मतलब पेट्रोल डीजल, समझ पा रहे, गैस, ये सब चीजें। तो इनकी अपन कंडीशंस की बात करें, अगर अपन हाइड्रोकार्बन से बनाना चाहे बुढ़े बात करो, उसमें दोनों लिखा अपन दोनों आपको लिख देते हैं, यहां पर हाइड्रोकार्बन ले लिया, और यहां पर दोस्तों अपन ने क्या लिया बोलो बताओ, कोक ले लिया, ठीक है? जरा उठाओ बोलो बात करें कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे अपने उठाया बेटा बात करें कोई एक एल्केन, जैसे हमारे पास सबसे सिंपल है मेथेन है, पूरे बात करें मेथेन उठा लिया, CH4 लिया, CH4 से पूरे बात करें मुझे क्या करना है दोस्त बताओ, हाइड्रोजन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बताओ, क्या करें इसका, अगर मुझे इससे बनाना है हाइड्रोकार्बन से, तो मैं पूरे बात करें CH4 मेथेन ले लिया, अब इसका क्या करें अपन, ऑक्सीडेशन करें, रिडक्शन करें, क्या करें, किससे रिएक्शन करें, किससे रिएक्शन नहीं करें, कैसे बनेगा हमारे पास, कोक में अपन ने बात करें कार्बन ले लिया, मतलब इसकी रिएक्शन करना है किसके साथ, स्टीम के साथ, रिएक्शन बोलो बताओ किसके साथ, विथ स्टीम, स्टीम में दोनों चीजें मिल जाएंगी, स्टीम में मतलब बुरे बात करें वाटर भी मिल जाएगा और बुरे बात करें टेम्परेचर भी मिल जाएगा, सोच पा रहे? टेम्परेचर क्यों चाहिए बुरे बात करें, वाटर के बॉन्ड को तोड़ने के लिए और जो मीथेन के अंदर प्रीवियस बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए, समझ पा रहे? फिर नया कंपाउंड बनेगा। आपने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का मतलब क्या था, ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब क्या बोला था,
ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड पूरे बात करें कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड, समझ में आ रहा है? जब बेटा ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड बने टूटेगा तभी तो पूरे बात करें हमारे पास स्ट्रेट टूटेगा, और बाद में जब न्यू कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तभी तो अपन क्या बोलेंगे, नया प्रोडक्ट बनेगा। तो अपन क्या देखें बेटा बात करें, आपने ये लिया बेटा बात करें कोई हाइड्रोकार्बन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन कुछ भी ले सकते हो, और प्लस बुरे बात किसके साथ अपने क्या ले लिया बताओ बेटू बात करें, वाटर। वाटर मतलब क्या, स्टीम भाप। नहीं समझ में आ रहा है, अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, स्टीम का मतलब एसटीईएमई बुरे बात का जो भी लिखना है वो लिख लेना, ठीक है? तो स्टीम देख सकते ना बेटू बात क्या पूरा, तो स्टीम मतलब भाप। स्टीम की बुरे बात की अगर रिएक्शंस करते हैं तो क्या मतलब, वाइट पर फोकस मत किया करो, अपन फोकस करना है मैं बुरे बात करें कंटेंट पर। तो हमारे पास हाइड नहीं, मेरा इनमें कोई मतलब होता है थ्योरी पर, मेरा कंटेंट मतलब मेरा फोकस होता है आपको समझाने पर ये कैसे कंपाउंड बनता है। तो जब भी भाप के साथ रिएक्शन करोगे तो सोचो दोस्त बोलो बात करें क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा बेटू बात करें सबसे पहले हमारे पास क्या, वाटर गैस मतलब CO, दिख रहा आपको दोस्त? अरे दिखा नहीं दिखा, CO नहीं दिखा, तो CO बन गया बेटू बात करें, मतलब क्या बना बेटू बात करें, CO मतलब कार्बन ऑक्साइड, और प्लस बेटू बात करें बनेगा क्या, हाइड्रोजन। सोच पा रहे कितने हाइड्रोजन है, दो और बुरे एक तीन, मतलब 3H2। सोच पा रहे दोस्त? तो इस तरीके से बुरे बात करें हमारे पास कार्बन ऑक्साइड और बुरे बात करें हाइड्रोजन का मिक्सचर बनेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात कर, इसको बोलते हैं वाटर गैस। समझ पा रहे, क्योंकि वाटर से बना है बुरे बात कर, वाटर गैस। साथ में बेटू बात करें इसी को आप बना सकते हो पूरे बात कर, बताओ किससे पूरे बात कर, सड़ते हुए पेपर से, सड़ती हुई रद्दी से, सड़ती हुई लकड़ी से, समझ पा रहे, सीवेज से। अब सीवेज में है क्या दीदी बताओ, सीवेज में आपके घर से निकला हुआ एक तो गंदगी है, हाँ। आपके घरों से निकली गंदगी है कि नहीं, हाँ। उसमें बुरे बात कर रहे हैं हमारे पास क्या है, ब्रोकन बर्डन है, ब्रोकन बुरे बात कर हमारे पास फूड है, डिकेइंग बुरे बात कर रहे फूड सब्सटेंस होते हैं, मतलब सड़ते हुए बुरे बात करें सब्जी खाना ये सभी तो है। तो इसमें क्या वेजिटेबल बताओ है, पेपर वेपर सब यही तो है, मतलब गुड़ का आपने देखा हाइड्रोकार्बन कहां से आया, एनिमल और बेटे बात करें प्लांट की सड़ती हुई बॉडी से आते हैं। जब बेटे बात करें क्या होता है, कोई ज्वालामुखी आती है दीदी बात करें, कोई हमारे पास करप्शन होता है तो हम सब लोग बुढ़े जमीन के अंदर धस जाते हैं, फिर हमारी बॉडी सड़ती है, उससे बनते बेटे बात करें हाइड्रोकार्बन, समझ में आ रहा है, और फिर उनसे बढ़ते बुढ़े बात करें क्या हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, सड़ता हुआ गार्बेज क्या है बताओ, अरे हाइड्रोकार्बन तो है, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड। तो इसलिए बुढ़े बात करें हमारे पास इसको हमने बोला वाटर गैस, क्योंकि इसमें वाटर का यूज किया स्टीम का, और साथ में बुढ़े बात किसी को बोलते हैं सिन गैस, सिंथेसिस गैस, क्योंकि इसको मैंने बनाया किससे बेटा बात करें हमारे पास डिकेइंग सब्सटेंस से। तो आप इनका नाम दूसरा नाम क्या बोल सकते बताओ बेटू बात करें, सिन गैस। सिन का मतलब यहाँ पे बुढ़े बताओ क्या होता है, सिन का मतलब होता है सिंथेसिस गैस, क्या होता है दोस्त बताओ, सिंथेसिस। तो अपन इसी का बुढ़े बात करें दूसरा नाम बोल सकते हैं क्या बताओ बेटे बात करें, सिंथेसिस गैस। अब बुढ़े बात के जैसे आपकी बुक में लिखा होता है कोई भी एक एग्जांपल, तो एक एग्जांपल से मतलब समझना है कि हमें पूरी दुनिया ही आती समझ में। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यार, तो आपको अच्छे से पता है बुढ़े बात के प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट अपने किया था, सीवेज का भी नहीं किया था, हाँ। कैसे करते इसमें मतलब बहुत सारी चीजों से बुढ़े बात कर आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल है, चाहे वो हमारी बॉडी हो चाहे बेटा वो प्लांट की बॉडी हो, इसके अलावा दुनिया में दूसरी चीज है ही नहीं। आप बोलो पेपर कहां से आए, प्लांट की बॉडी से आए, समझ पा रहे, कपड़े कहां से आए, प्लांट की बॉडी से आए। तो जो प्लांट हमारी बॉडी से बना है गुड़िया बात करें वो ही सड़ता है, प्लास्टिक ग्लास कांच ये मेटल ये नहीं सड़ती, सोच पा रहे। तो इसका मतलब बेटा बात करें हाइड्रोकार्बन, ये तो को बोल सकते हैं वाटर गैस, इसी को बोल सकते हैं आप सिन गैस, इसी को बोल सकते हैं सिंथेसिस गैस। अच्छा सिंथेसिस गैस सुनकर के मुझे याद आया कि एक प्रोड्यूसर गैस भी तो थी, प्रोड्यूसर गैस किसको बोला था अपन ने, CO + N2 को, पहले भी लिखवाया आपको कई बार जनरल नॉलेज के लिए लिखवा था, लिखवा था कोई पूछे बताओ बेटा बात करें बोलो वाटर गैस किसको बोलते, वाटर गैस, सिन गैस किसको बोलते, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख दूं छोटा ओ तो ये कोबाल्ट तो मेटल बन जाएगी, कोबाल्ट मेटल होती है गैस नहीं होती है। और दूसरा बेटू बात करें हमारे पास क्या बोला अपन को, प्रोड्यूसर गैस, क्या बोला है, प्रोड्यूसर गैस। ये कौन होती बताओ बेटा बात करें बोलो, ये लिखवाया पहले आपको कहीं टॉप पर लिख लिया अगर उनको बोलो CO + N2 कौन होता बेटा बताओ बोलो, CO + N2 हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है N2 आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, समझ में आ रहा है, उत्पादक गैस। चलो दीदी आप जरा यहाँ पे आओ, ये बना आप कितनी बना रहे, ये क्यों बना रहे आप, हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ही गैस का कंपोजिशन है। दूसरी कंडीशन बुढ़े बात करिए कोक, क्या है दोस्त, कोक मतलब कोयला,
इसके साथ भी दीदी बात करो, किसकी रिएक्शन कराओ बेटू, स्टीम की रिएक्शन कराओ, स्टीम मतलब वाप की रिएक्शन कराओ। तो करा दिए दीदी बात करो, वाप वाप मतलब अलग से, अब आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है दोस्त, समझ पा रहे, वाटर भी आ गया और यह भी आ गया, क्या बन जाएगा बताओ बेटू, सीओ प्लस बेटा बात करें एच टू। अगेन आपने क्या बना दिया बताओ बेटे, बात करें वाटर गैस बना दी कि नहीं बना दी, क्या बना दी बताओ करो, वाटर गैस, ठीक है, सिंगल सिंथेसिस गैस। अब इनका क्या करें, बोलू बात कर, इनका कुछ मत करो, ठीक है, इनके बुढ़िया बात कर, हमें अब क्या चाहिए बताओ, अलग से बेटा बात कर, हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, ज्यादा हाइड्रोजन चाहिए, वैसे कुछ हाइड्रोजन तो इसमें है, अगर हमको बुढ़िया बात करें क्या करें, सेपरेशन मेथड यूज करें, तो आप सीओ को अलग कर सकते हो, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो, तो एक तो आपको इनसे डायरेक्ट हाइड्रोजन मिल जाएगी नो डाउट, लेकिन आप चाहो कि मुझे तो और ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए और ज्यादा, हाइड्रोजन चाहिए, तो बुढ़िया बात कर अभी भी चैन मत लो, इनको तो आप क्या करो, पहले बेटू बात करें, इनको पहले आप सेपरेट करो, और सेपरेट करने के बाद इसके किसको निकाल दो, सीओ को निकाल दो, और सीओ को अगेन बेटू किसके साथ रिएक्शन करा दो, वाटर के साथ करा दो, सोच पाए किसके साथ करा दो जी, एग्जैक्ट। अब बन जाएगा बेटा क्या गुरु बताओ हमारा, अब ये निकल जाएगी गुरु बात का सीओ निकल जाएगी किसके फॉर्म में, सीओ टू के फॉर्म में। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जो अगर बेटा बात का हाइड्रोजन निकाल देते गुरु और सीओ छोड़ देते एनवायरमेंट, तो सीओ ज्यादा हानिकारक है, लेकिन आपने गुरु बात का जैसे सीओ को सीओ टू में बदल दिया बेटा बात करें, तो एक तो सीओ टू हानिकारक नहीं हमारे लिए, ये तो ग्रीन हाउस गैस है ना, प्लांट के लिए फायदेमंद है, तो जबकि सीओ प्लांट के लिए भी हानिकारक हो हमारे लिए भी। अब अपने सीओ को बदल दिया बेटा, सीओ टू मतलब एक हानिकारक गैस खत्म होगी और एक यूजफुल गैस बनगी जो प्लांट के काम आएगी। और दूसरा बेटा बात कर हमारे पास इसमें देखो इसका ऑक्सीजन चला गया, तो क्या बन गया पता बेटा बात कर, एच टू, जो हमें गुरु हाइड्रोजन चाहिए, तो हमारे लिए हाइड्रोजन बन गई कि नहीं बन गई, तो बेटा बात करें कुछ हाइड्रोजन तो आपको कहां से मिलेगी बताओ गुरु बात करें, यहां से मिलेगी, समझ में आ रहा है, और कुछ हाइड्रोजन गैस कहां से मिलेगी, यहां से, मतलब हाइड्रोजन की आपने क्वांटिटी क्या कर दी, बढ़ा दी, इसका मतलब यहां भी ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, अगर इसमें से बोलू बात करके सीओ कंटेंट को हम सेपरेट करके किसके साथ रिएक्शन करा दे बेटा बात बोलू वाटर के साथ, तो आपने देखा बेटा बात करें क्या कि एक हार्मफुल गैस जो थी, समझ पा रहे, वो हार्मलेस गैस है मतलब यूजफुल गैस है, मतलब जो हमारे लिए ग्रीन हाउस करेगी, समझ पा रहे, ग्रीन हाउस जरूरी है कि नहीं जरूरी है, जरूरी है, अरे ग्रीन हाउस अगर नहीं होगा बुढ़िया बात करें तो मेरे हमारा इस दुनिया में एग्जिस्टेंस ही नहीं रह पाएगा, प्लांट हम सब मर जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है, तो इसकी बड़ी हुई मात्रा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, पर सीओ तो बहुत जरूरी है, और साथ में हमने क्या देखा बेटा बात करें क्या बन जाएगा आपका एच टू, तो बुढ़िया बात करें कुछ एच टू आपको कहां से मिल गया था बताओ बेटू बात करें बताओ, यहां से मिल गया था, तो कुछ एच टू कहां से मिल गया, यहां से, मतलब हमने क्या कर दिया हाइड्रोजन के अमाउंट को बढ़ा दिया, समझ में आ रहा है, तो अगर मोर अमाउंट में आपको हाइड्रोजन चाहिए बुढ़िया बात करें, तो हाइड्रोकार्बन और कोक का क्या करो स्टीम के साथ क्या कर लो बुढ़िया बात करें रिएक्शन करा दो, तो हमारे पास पहले हमें वाटर गैस मिलेगी, और वाटर गैस में से हम क्या करेंगे सीओ कंटेंट को बेटा बात कर निकाल करके फिर से वाटर के साथ क्या करा देंगे बेटा बात हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो हमें क्या हाइड्रोजन मिल जाएगी, नहीं समझ में आ रहा, तो आपका हाइड्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ये बेटू बात करें हमारे पास किससे बनाया आपने हाइड्रोकार्बन से। अब बुढ़िया बात करें दुनिया में बात की जाए ना, इस दुनिया में तो सबसे ज्यादा बेटू बात अपन बोल सकते हैं हमारे पास कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहां से मिलते हैं आपको, इन्हीं से, समझ में आ रहे गुरु, इन्हीं से मिलता है, आपने देखा चाहे बुढ़िया बात करें कोई भी प्रोसेस हम करें, चाहे हमें लाइट बनाना हो चाहे कुछ करना हो, हम सबसे ज्यादा कोयले का यूज करते हैं, करते कि नहीं करते, चाहे बुढ़िया आपको गाड़ी चलानी हो, चाहे बेटू बात करें जनरेटर चलाना हो, चाहे कोई भी मोटर चलानी हो, हम दीदी बात करें हमेशा पेट्रोल का डीजल का यूज करते हैं, दुनिया में सारे ट्रक गाड़ियां किससे चल रही है, तो बेटा बात करें हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं ना, तो मुझे अगर हाइड्रोजन गैस चाहिए पड़ेगी तो अभी मैं किसका यूज करूंगा हाइड्रोकार्बन का, समझ में आ रहा है, ये बेटू बात करें कंडीशन है, तो आपने पढ़ा इसको देखा इसको, नेक्स्ट पॉइंट बेटा बात करें हमारे पास आते हैं, इस बुढ़िया बात करें सेम गैस का यूज कहाँ करते हैं, मतलब वाटर गैस का यूज कहाँ करते हैं, अगर वाटर गैस का यूज करना चाहो बुढ़िया बात करें तो अपन काय के लिए करते हैं बताओ, वाटर गैस का यूज काय के लिए करते हैं जी, मेथेनॉल फॉर्मेशन के लिए, मतलब बुढ़िया आप इससे चाहो तो और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हो, हाइड्रोजन तो बना ही सकते हो आप चाहो तो, जैसे गुरु बात कर पता है मेथेनॉल बन जाएगा, मेथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा बात कर एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड को एसिड बन जाएगा, मतलब आपको डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इसका बेटा बात करें आप यूज कर सकते हो, वीडियो बात करें क्या के लिए एल्कोहल के लिए कर सकती नहीं कर सकती बेटा बताओ, एल्कोहल उससे बुढ़िया बात कर उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, बुढ़िया बात करें एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, अगर बेटा बात करें हमारे पास सेकंड एल्कोहल हुआ तो क्या मिल जाएगा हमारे पास कीटोन मिल जाएगा, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए कर सकते, तो इसका भाई बात करें अगेन अगर ऑक्सीडेशन करो, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटू बात एसिड मिलेगा, और कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हाई टेंपरेचर के साथ करेंगे तभी क्या मिलेगा, सॉरी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तभी एसिड मिलेगा, और कीटोन का बेटू बात का ऑक्सीडेशन हाई टेंपरेचर के साथ करोगे तभी क्या मिलेगा आपको, अगर ऑक्सीडेशन हाई टेंपरेचर का किया जाए किसका कीटोन का, तभी मुझे क्या मिल रहा है एसिड, तो क्या दीदी बात करें बताओ दुनिया में डिफरेंट टाइप के एसिड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे बेटा बात करें सीओ प्लस गोलू बात करें किसकी बात करें बताओ एच टू की बात करें तो क्या मिल जाएगा हमें बताओ मेथेनॉल, कैसे मिलेगा हमने क्या देखा था CO plus CH2 था भी था दोस्त, इससे बोलो हमें क्या मिलेगा CH4OH, देखो काउंट कर लो बेटा बात कर रही है,
ये क्या था? वाटर गैस, या सिन गैस। तो वाटर गैस से हमने क्या बना लिया? मैथेनॉल। क्या बना लिया गुरु बताओ? मैथेनॉल। आपने देखा एक कार में गुरु कितने हाइड्रोजन थे बेटा यहाँ पे? छह थे। अभी यहाँ पे कितने यूज हुए? पांच। पांच यूज हुए, मतलब हम चाहे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ले सकते हैं? हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो तीन तो नहीं ले सकते गुरु, तो हम कितना चाहिए? 5/2। आ रहा समझ में? क्लियर है। अब इसका गुरु अगेन ऑक्सीडेशन करो, क्या मिल जाएगा बेटा? बात कर, अरे दे ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर बेटा इसका अगेन ऑक्सीडेशन करो तो क्या मिल जाएगा आपको? यही मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया, पक्का आ गया। चलो नोट इसको फटाफट। इसके गुरु बात कर, दूसरी यूज की बात कर, बताओ गुरु। तो ये तो आपने बना लिया सड़ी, और यूज बताओ जरा बेटा बात कर। वेजिटेबल घी बनाने में याद है, अब वो यूज किसके हैं? वो है हाइड्रोजन। किसके यूज से बेटू बात करें? हाइड्रोजन के। अगर अपन देखा बेटू बात करें हाइड्रोजन का यूज करें हम, जैसे अपने क्या बोला? वेजिटेबल। ये यूजेस की बात करें अपन, किसके यूज कर रहे बेटा? पूरे बात करें यूज या यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ो ही मत, दीदी बात करें खेल की तरह पढ़ो, खेल की तरह सोचो, चारों तरफ दिमाग लगाओ। तो वेजिटेबल बुढ़िया बात करें ऑयल से मुझे क्या चाहिए बताओ बेटू बात करें? क्या चाहिए सोच पा रहे? मुझे वेजिटेबल के लिए बात करें घी चाहिए। तो मैं कैसे करूं? सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल को ले लो। ऑयल का मतलब वेजिटेबल ऑयल मतलब सरसों का तेल, गुड़िया बात करें मूंगफली का तेल, समझ पा रहे? सनफ्लावर का तेल, जो भी है। तो उसके साथ क्या करो? हाइड्रोजनेशन कर दो, मतलब हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, आपने देखा गुड़िया बात करें, क्योंकि ऑयल कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड, समझ पा रहे? एल्कीन एल्काइन। और गुरु बात करें आपको कैटलिस्ट क्या लेना है? निकल। क्या बेटा निकल के साथ हम प्लेटिनम नहीं ले सकते? पैरिटिम ले सकते। अरे किए हैं आपने रिएक्शन, ये सेबिटी सैंडरसन टाइप की रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट बना, मतलब गुरु बात करें हम क्या निकल ले रहे हैं, इसके पूरे हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बताओ? गुरु बात करें वेजिटेबल घी, जिसको अपन बोलते हैं वनस्पति। क्या बोलते हैं गुरु? वनस्पति घी, डांडा। एग्जैक्ट डांडा है ये, समझ पा रहे? ये बहुत घी नहीं जो रोटी में चपर के खाते हैं, ठीक है? ये वो की है बेटा बात, इसमें अपन पूरी पराठा बना के खाते हैं, ठीक है? ये वाली कंडीशन है। सबसे इम्पोर्टेंट गुड़िया बात कर रिएक्शन है, ये आ जाएगा। अगेन बेटू बात कर हम क्या चाहे बताओ? हमने क्या देखा गुड़िया बात करें? अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, क्या है दोस्त? एल्कीन। एल्कीन पे गुड़िया बात करें फिर से रिएक्शन कर दो, किसकी बेटा बात करें? इसी मिक्सचर की। इसी मिक्सचर मतलब ये वाला, जिसमें हाइड्रोजन भी हो, क्या गुरु? सीओ भी है। तो गुड़िया बात करें एल्कीन हो एल्काइन हो, क्या हो दोस्त बताओ? एल्कीन एल्काइन। तो उसके साथ गुरु किसकी रिएक्शन कर दो? CO प्लस हाइड्रोजन की। तो गुरु बात करें क्या बन जाएगा बेटा? एक एल्कीन से बन जाएगा क्या? एल्केन। क्या बनेगा दोस्त? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं बनेगा क्या? बनेगा पर वो भी तो है, अगर केवल बेटा बात कर हाइड्रोजन तो एल्कीन बनता, लेकिन गुरु CO भी तो है, इसका मतलब क्या बनने वाला है? एल्कोहल। क्या बनने वाला है? पहले एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर उस एल्कोहल से गुरु बात कर क्या बना सकते बेटा बात करें? एसिड। क्या बना सकते? तो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, आए समझ में कि नहीं है? तो अगर बेटू बात करें हमारे पास कोई एल्कीन है, एल्कीन पर रिएक्शन गुड़िया इसकी करते हो तो क्या बन जाएगा बताओ बेटू बात करें? समझ पा रहे हो? और फिर उससे क्या बन जाएगा? उससे क्या बन जाएगा? लेकिन अगर गुड़िया बात करें उल्टी रिएक्शन करें, हम ऐसी रिएक्शन करें कि पहले गुड़िया बात करें एल्कीन पर दोनों की रिएक्शन करके हम क्या बना रहे? एल्डिहाइड बना रहे। क्या बना रहे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी तो बन सकता है, कैसे बन सकता है? देखो उठाओ ना एक कोई भी, जैसे मैंने इसको उठा लिया CH3, गुरु बताओ CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है कि नहीं? इसके ऊपर अगर बेटा इसकी रिएक्शन कर दे हम CO की प्लस गुरु बताओ H2 की, अरे करें कि नहीं करें दोस्तों? अगर इसकी रिएक्शन करी तो बताओ बेटू बात कर क्या बनेगा? एक तो कार्बन ऑक्साइड आएगा कि नहीं आएगा, और साथ में H2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे समझ में आए? तो हम क्यों बात करें हमारे पास कितने कार्बन होंगे? चार कार्बन, मतलब बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 और गुरु बात करें बोलो जरा क्या बना सकते हैं? CH2। देखो कितने कार्बन थे यहाँ पे? चार। तो बोलो चार कार्बन आ गए, ठीक है? अब जरा बेटा बात करें हाइड्रोजन बैलेंस करो, तीन और तीन छह, छह और दो आठ, तीन दो पांच, पांच और गुरु बात कर कितने हो गए? दो सात और एक आठ, हो गया कि नहीं होगा? बेटा ऑक्सीजन बैलेंस करो कितना है गुड़िया? एक। कितना ऑप्शन? एक बन गया। अब अगर मुझे इसका रिडक्शन करना, मुझे एल्कोहल चाहिए, नहीं समझ में आ रहा? तो अगर बेटा इसका क्या कर दो गुरु? इसका हाइड्रोजन कर दो। हाइड्रोजन से मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन से तो होगा, तो गुड़िया हाइड्रोजन की रिएक्शन अगेन कर दो इसके ऊपर। हाइड्रोजन की रिएक्शन करोगे तो आपको पता है बेटी बात हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा सोचो, यहाँ के जुड़ जाएगा एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का पूरा स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता है? हमें तो बहुत अच्छे से आता है बेटू, जब हम जवाब दे तो ऐसा लगता है कि जैसे भाई कोई दिक्कत आती है। हमने क्या देखा बेटू बात कर, अगर ये बुरे बात कर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे एच भी टूट जाएगा, एच प्लस और एच नेगेटिव में, नहीं समझ में आया दोस्त? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा ना, होमोलाइसिस होगा कि हाइड्रोलाइसिस? अरे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मतलब बेटू जो एच प्लस वाला होगा ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, और नेगेटिव वाला कहाँ जुड़ जाएगा? समझ पा रही यहाँ पे? तो आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा कुदुस?
CH3 CH2 CH2 COH। बेटा एच एच क्या हो गया, एच टू आ गया कि नहीं आ गया, तो सी एच टू, अरे आया कि नहीं आया, तो बताओ क्या आपका प्राइमरी एल्कोहल ही बन गया, तो एल्कोहल भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मतलब आप पेन चलाओगे ना ऑटोमेटिकली आपकी केमिकल रिएक्शन आपको आने लगेंगे। और आप बोलोगे भाई पेन क्यों चलाना है, पेन इसलिए चलाना है, बुढ़िया बात की जितनी टाइप की रिएक्शन है, अगर आप एक टॉपिक की सारी रिएक्शन पढ़ते हो तो विश्वास मानो आप अलग अलग टॉपिक की रिएक्शन पढ़ रहे हो। ये क्या आपने पहले लिखा था, नहीं लिखा था, आज भी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब यही गुड़िया बात के सरफेस केमिस्ट्री में आने वाले हैं, कहां पर अभी आपने आप पढ़ा गुड़िया बात के, तो बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, वहां पढ़ी तो आपको यह समझ में आ रही होगी आराम से, यहाँ कितनी अच्छी बातें हैं ये। तो इस तरीके से हम इनका यूजेस भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कर सकते हैं। तो बनाने की मेथड भी हमने पहले देख ली, बेटू बात करें सिल गैस और बेटू बात करें हमारे पास सिंथेसिस गैस बोलो, वाटर गैस बोलो, प्रोड्यूसर गैस बोलो, इन सब की बात कर ली, कोयला कोक की बात कर ली, कर ली कि नहीं कर ली, आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर अपन बेटा बात कर देखना चाहे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ है ही नहीं, समझ पा रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा बात कर, जिसको तुम देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसको सूंघ सकते हो, जिसको माप सकते हो, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हाइड्रोजन बुढ़े बात का एनवायरनमेंट है कि नहीं, देखो वो हाइड्रोजन है कैसी दिख रही है, अरे गैसेस फॉर्म में तो है, उड़ तो रही है, लेकिन तुम्हें दिख रही किस कलर की है, कलरलेस। बुढ़िया सूंघ के देखो किस किस स्मेल की है, कोई स्मेल ही नहीं है, मतलब स्मेललेस ऑर्डरलेस, समझ पा रहे, टेस्ट करो जरा मुंह खोल के, टेस्टलेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी पता चल गया, ऑर्डरलेस स्मेललेस और बेटा बात करें टेस्टलेस, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें गैसेस कंपाउंड को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब जरा आते बेटे बात करें क्या होगी कि नहीं होगी, लिखना है क्या, बहुत बड़ी चीज है ये, फालतू की चीजें करना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब आते बेटा बात करें केमिकल प्रॉपर्टी पर, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दीदी कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, आपको देखना मुझे बताना खुद, ठीक है। पहला है बात करें फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बताओ, रिएक्शन विथ दीदी बात करें हैलोजन, रिएक्शन विथ किसके साथ, विथ हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्या है दोस्तों बताओ, एक्स टू में बोलो क्या क्या आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और गुड़िया बात करें आता है कि नहीं आता, इसमें गुड़िया बात करें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, याद है रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा था, फ्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव कौन है गुड़िया बात करें, आयोडीन, समझ पाए, बड़े साइज का होता है, ठीक है दोस्तों, रिएक्शन नहीं करना चाहता है, अगर पॉजिटिव ही है आयोडीन का, जैसे आयोडीन टूटा आयोडाइड के फॉर्म में, अगर किसी को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी इतने बड़े साइज पर है उसको खुद ही पता नहीं होता कि वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव भी है तो बहुत बड़े साइज पर होता है, मतलब पर यूनिट एरिया पे नेगेटिव भी क्या होता है ना के बराबर, इससे बुढ़े बात करें वो रिएक्टिव नहीं होता है। अगर एफ के ऊपर नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, एक छोटे साइज पे बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो वो जल्दी रिएक्शन करेगा, नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, इसका मतलब बुढ़े बात करें ये इतना रिएक्टिव होता है कि हाइड्रोजन इसको बस दिखा नहीं कैसे दीदी बात कर तो रिएक्शन कर, इसको टेम्परेचर तक की जरूरत नहीं होती है, मतलब फ्लोरीन जो गुड़िया बात कर रिएक्शन करेगा वो अंधेरे में भी कर लेता है डार्क में, समझ में आ रहा नहीं यार, और मतलब बिल्कुल टेम्परेचर नहीं चाहिए। और अगर भाई आयोडीन गुड़िया होता है तो आयोडीन को रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए बताओ, गुड़िया बात करें कैटलिस्ट, क्या चाहिए, मतलब चाहे टेम्परेचर तब भी वो रिएक्शन नहीं करता है, मतलब उसको अलग से कोई उत्प्रेरक चाहिए, जबरदस्ती कह रही है तू तो कर, वो कह रहा मैं नहीं करूंगा, अरे करना पड़ेगा करो तुम तो कैटलिस्ट, समझ में आ रही नहीं यार कैटलिस्ट। जबकि आपने देखा गुड़िया बात करें जनरली आपने जिस तरीके से एस ब्लॉक में सोडियम पोटेशियम रिएक्शन करता है मिडिल एलिमेंट, वैसे रिएक्शन कौन करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, तो आपने जनरली जब भी रिएक्शन देखी होगी क्लोरीन की देखी होगी और ब्रोमीन की देखी होगी, HCl और HBr का ही यूज किया होगा हर जगह, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा बात करिए कंडीशन है, मतलब रिएक्शन गुड़िया बात करें अगर हम किसके साथ हाइड्रोजन के साथ हैलोजन की रिएक्शन कराएं, किसकी रिएक्शन कराएं बेटा बात करें हैलोजन की, चाहे वो फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, तो गुड़िया बात करें क्या मिल जाएगा, HX मिल जाएगा। अब नंबर आप खुद देख लो, गुड़िया बात करें हाफ आप लेते हो तो एक HX मिल जाएगा और आप एक एक मॉलिक्यूल लेते हो तो 2 HX मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अपन ने देखा गुड़िया बात करें अगर बॉन्ड बन रहा है तो ये कैसी प्रोसेस बताओ बेटा बात करें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझ में आ रहा है, मतलब डेल एच की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, समझ में आ रही, तो लिखने की जरूरत है क्या कि भैया अगर बॉन्ड बन रहा है तो ये नेगेटिव होगा, इसके लिए कोई जरूरत नहीं। जरा दूसरे पॉइंट पर गुड़िया बात करें रिएक्शन विद किसके साथ बताओ, गुड़िया बात करें हमारे पास बगल में चले आओ, पहले हैलोजन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से चले आओ, ठीक है। तो अपन दूसरा किसका देखा बताओ, गुड़िया बात करें जी बिल्कुल बोलो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो रिएक्शन विद गुड़िया बात करें क्या, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप करते हो तो क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा। कैसे देखा आपने गुड़िया बात करें, जरा देखो बताओ, कह रहे देखा कैसे, रिएक्शन करके देख लिया हमने,
हाइड्रोजन प्लस गुड़िया बात करें क्या करें अपन ऑक्सीजन, अगर अपन एक ओ टू ले दें तो आपको बेटा टू एच टू लेने पड़ेंगे। हाँ। नहीं समझ में आया, अगर आप एक एच टू लेते हो गुड़िया बात के थोड़ा क्या ले लें फिर यहाँ पे हाफ ओ टू क्या बन जाएगा वो तो बेटा बात करें एच टू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एच टू ये गुड़िया बॉन्ड बन रहा है ये भी कैसी प्रॉब्लम से बताओ एच बता रहे समझ में आ रहा है लिबरेट हो रही होगी ठीक है। थर्ड पॉइंट पर गुड़िया बताओ हमारे पास जी बहुत अच्छे मतलब रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नहीं समझ में याद कैसे रख ले रहा है पहले हैलोजन की फिर ऑक्सीजन की फिर नाइट्रोजन की तो रिएक्शन विथ वेटू बात करे क्या नाइट्रोजन ओके नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है पढ़ी लिखी रिएक्शन है हैबर प्रोसेस पढ़ा है ना बेटा अपन ने 12th में। तो ये गुड़िया बात करे हमारे पास पता ही हमें कि H2 प्लस गुड़िया बात करे क्या N2 N2 के साथ जब भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे क्या बनेगा बेटा अमोनिया बनेगा। अब बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि तीन हाइड्रोजन चाहिए एक नाइट्रोजन तो बताओ बोलो बात करें बैलेंस कैसे कर दो नाइट्रोजन है जैसे N2 लिया तो अपन बोलो बात करें क्या लगा दिया 2 लगा दिया N2 के साथ पर हाइड्रोजन 6 हो गए तो इसलिए आपको 3H2 लगा दिया 3H2 प्लस N2 इक्वल्स टू 2NH3 कैसी प्रोसेस है बताओ ये बेटा बात करें एक्सोथर्मिक वही अरे बॉन्ड बन रहा है तो डेरेज कैसा होगा नेगेटिव ये तो पढ़ी है ना अपने बेटा बात कर इसको अपन नाम क्या देते बेटा बताओ हैबर प्रोसेस क्या बोलते बताओ बोलो हैवर प्रोसेस ये 12th में है आता ही है याद है। कैटलिस्ट क्या लेते बताओ बोलिए इसमें अपन आयरन गुड़िया बात करें ऑक्साइड और बेटा बात करें प्रोमोटर क्या लेते हैं मॉलिब्डेनम लेकिन आयरन ऑक्साइड अकेला लेते हैं क्या आयरन ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का याद आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा बात करें तो अपन इसको पूरा पढ़ा था। अगली गुड़िया बात कर अपन ने क्या था किसके साथ होता बेटी बात करें रिएक्शन विद मैटर अगर रिएक्शन मैटर के साथ करें तो फिर क्या बनेगा गुड़िया बात करें तो मैटर हाइड्राइड बनेगा। नहीं समझ में आ रहा ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराई कि नहीं कराई आपने हैलोजन भी नॉन मेटल ऑक्सीजन भी नॉन मेटल नाइट्रोजन भी नॉन मेटल तो रिएक्शन विद नॉन मेटल आपने पढ़ ली अब रिएक्शन विद मेटल पढ़ लो सोच पा रहे तो रिएक्शन विद मेटल। अब बताओ बुरी बात क्या मेटल के साथ मेटल में भी बुरी बात सबसे अच्छी मेटल कौन है जल्दी फटाफट रिएक्शन करती है एल्कली मेटल मतलब एक ग्रुप की बात करूं आपने सीजीएम बोला बिल्कुल सही है लेकिन अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करें तो गुण कौन सा जाएगा जी बिल्कुल एल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप का मेटल। अब ये बताओ आपको रटना पड़ेगा कि आपको याद ही है ये पढ़े है ना पहले आपने कभी ना कभी ठीक है। हाँ इसमें आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी ये वाले है ना कि नहीं बुरी बात करें तो जरूर नहीं यही याद तो आपने क्या देखा बताओ बुरी बात करें सोडियम है जैसे कोई मेटल है। अब ये मेटल गुड़िया बात करें लिथियम हो सकता है ये मेटल बेटा बात करें सोडियम हो सकता है ये मेटल पोटेशियम हो सकता है ये मेटल रुबिडियम हो सकता है ये मेटल आपका क्या हो सकता है सीजियम हो सकता है कोई भी हो सकता है मतलब ये एम है क्या है दोस्त बताओ गुरु मेटल इन सबका चार्ज कितना होता है प्लस में तो गुरु बात का हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा माइनस वन होगा भैया मेटल के साथ गुड़िया बात करेगा तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन को रखोगे तो प्लस में रखोगे क्या अगर सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर हाइड्रोजन को लेना ही पड़ेगा और हाइड्रोजन जैसे लेगा तो बन जाएगा हैलोजन जैसा सोच पा रहे तो मेटल प्लस गुड़िया बात कर अगर हाइड्रोजन आप लेते हो सोच पा रहे तो क्या बनेगा मेटल हाइड्राइड पर हाइड्रोजन तो H2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब आपको अगर एक मेटल है गुड़िया तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। अब एक हाइड्रोजन पे एक चाहिए पड़ते दो हाइड्रोजन को दो चाहिए पड़ेंगे तो या तो टू मेटल ले लो या फिर गुड़िया बात कर आप आधा ले लो ये क्या H2 समझ में इसका मतलब क्या बन जाएगा तो बताओ MH क्या बन जाएगा बताओ MH बनेगा नहीं बनेगा ये मैंने आपको एल्कली मेटल दी अगर आप यही कह रहे थे तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम तो फिर गुड़िया बात करें एक के साथ क्या था टू आता जैसे गुड़िया बात करें अपन क्या करें मैग्नीशियम के लेते साथ लेते तो फिर क्या बनता है MgH2 समझ में इसमें इसका चार्ज क्या है प्लस वन इसका चार्ज क्या है माइनस वन समझ में आ रहा है इसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड क्या बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। अब देखो हाइड्रोजन को नेगेटिव आया इसलिए अपन ने क्या लगाया आई अगर प्लस होता तो अपन लगाते क्या यम मतलब हाइड्रोनियम समझ में आ रहा है। अरे H3O+ को क्या बोलते हैं आप हाइड्रोनियम क्योंकि H2O के अंदर क्या छुपा है H+ तो चाहे H+ बोलो चाहे H3O+ बोलो हाइड्रोनियम ही है समझ में आ रहा है इस तरीके से आप रिएक्शन देख पा रहे हो पूरी की पूरी। तो ये गुड़िया बात करें अपने क्या देखा बताओ गुड़िया बात करें मेटल के साथ रिएक्शन ताकि क्या बनता है मेटल हाइड्राइड क्या बनता है बेटू बताओ मेटल हाइड्रेट बनाना है समझ में आ रही है तो मेटल हाइड्रेट बना दो। अब गुड़िया बात करें और रिएक्शन कौन सी दे रखी है आपकी बुक में कोई और रिएक्शन है क्या मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई और कुछ हो तो बताओ अब धातु आयन ठीक है तो बताओ गुड़िया बात करें मेटल हो भाई मेटल आयन के साथ रिएक्शन करा दो बहुत बड़ी बात थोड़ी है देखो गुड़िया बात करें मेटल आयन अब मेटल आयन के साथ रिएक्शन कराना है मेटल आयन कब मिलेगा दोस्त जब एक्वा सॉल्यूशन लोगे इसका मतलब गुड़िया बात करें अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं बताओ गुड़िया बात करें MgCl2 के साथ ये बताओ मेटल आयन है कि नहीं दोस्त अगर इसमें आपने देखो तो मैग्नीशियम के साथ +2 है कि नहीं तो हाइड्रोजन क्या करेगा गुड़िया बात करें हाइड्रोजन क्या करेगा हाइड्रोजन बेटू बात करें अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और खुद बन जाएगा बताओ क्या प्लस सोच पा रहे और वो दो इलेक्ट्रॉन किसको देगा मैग्नीशियम को
नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है? लेकिन आपको पता है कि मैग्नीशियम तो ऊपर मैग्नीशियम को तो रिप्लेस कर नहीं सकती है, इसका मतलब आपको मैग्नीशियम नहीं लेना है। तो फिर कौन सी लेना है मुझे? सीयू ले लो, कॉपर ले लो, सीयू से लो, क्योंकि कॉपर को रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन। इसके साथ गुड़े कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का याद है ना, आप आराम से करेक्ट रिएक्शन देखोगे कौन सही कौन सी गलत है। इसका मतलब मैं अगर मतलब मैग्नीशियम लेता तो हो तो जाती, मतलब पॉसिबल तो था, पॉसिबल था ही नहीं, कैसे पॉसिबल था समझ पर, देखने में लग रहा है पर पॉसिबल नहीं है दीदी ये कि हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे मैग्नीशियम को। इतनी इनकी कब से दम होने लगी? इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? कॉपर लेना, समझ पा रहे बुढ़िया बात कर रहे हैं? सिल्वर ले लो जो कहां है हाइड्रोजन के नीचे है। इसका मतलब अगर ये लिया बुढ़िया बात के बताओ तो क्या बन जाएगा बताओ? बुढ़िया बात करें 2HCl बन जाएगा बेटा, समझ पा रहे? और साथ में कॉपर मेटल अलग निकल जाएगी। क्यों? कॉपर के ऊपर प्लस टू तो है यहाँ पे चार्ज, कोई बात नहीं। सीएल के ऊपर माइनस टू है, तो देखो क्लोरीन को तो प्लस वाला ही चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्त? तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके कॉपर को देगा। जैसे दो कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कॉपर का चार्ज प्लस टू माइनस टू हो जाएगा जीरो, मतलब ये मेटल के फॉर्म में बात कर, समझ पा रहे? इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा HCl। क्या जाएगा दोस्त? HCl, समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो तो अब वो सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड नहीं है, अब वो बन चुका है एसिड। क्या बन चुका है? एसिड। और कॉपर कहां गई हमारे सॉल्यूशन की? वो जो आपने इलेक्ट्रोड लगाया है ना उसमें से कैथोड पर क्या हो चुकी है? डिपॉजिट हो चुकी है, समझ में आ रहा है? ये वाली कंडीशन है। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं नहीं अगर हमारे पास क्या है बेटू, बात करें ये तो हमने हाइड्रोजन ले लिया, अगर ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ले लो बुढ़े बात कर, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, समझ में आ? जैसे मैंने लिया बेटा बात कर, बताओ बोलो क्या? Ag2O। क्या लिया दोस्त? Ag2O। तो क्या बताओ सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिल्वर नीचे है। ये क्या करेगा बताओ बेटू बात? यहाँ पे सिल्वर प्लस वन में है कि नहीं? एक सिल्वर प्लस वन, तो दो सिल्वर प्लस टू में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या? माइनस टू। ऑक्सीजन को तो प्लस टू वाला चाहिए, तो दो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके बताओ बेटा क्या कर लेंगे? तो सोचो दो इलेक्ट्रॉन ने दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो इलेक्ट्रॉन ने दिए अगर, तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोनों हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा बताओ बेटा बात करें? जल्दी बोलो H2O। क्या बन गया? H2O। H2O। और साथ में क्या बन गया बताओ बेटा बात करें? सिल्वर। 2Ag आपको अलग मिलेगा, उसको बोलते हैं सिल्वर मेडल। याद है अपने पढ़ा था कॉलेज सीरीज एंड सिल्वर मेडल सिल्वर मेडल कहलाता है। तो ये बेटा बात क्या कंडीशन, क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे? उसमें बुढ़िया बात करें आपकी बुक में हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्ट मेटल का यूज नहीं किया होगा, वो एम लिख देता है। क्या लिख देता है? जैसे मेटल के लिए अपने एम लिखा कि लिखा, जैसे हेलोजन के लिए एक्स लिखा कि लिखा, तो उसने अगर लिखा है कि मेटल आयन, इसका मतलब उसने मेटल ऐसा लिखा होगा एम प्लस, क्योंकि मेटल को तो प्लस ही होता है, लेकिन इसके साथ ही रिएक्शन कराई होगी, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे वाली रिएक्शन बोलो कुछ। कार्बन यौगिकों के साथ में, तो वो तो मैंने बताया वेजिटेबल ऑयल का वेजिटेबल घी बनाना, समझ पा रहे? एल्केन के साथ एल्केन बनाना नहीं बताया क्या? तो बेटा बात करें वो हुआ क्या आपके साथ? ठीक है, ये रिएक्शन है, नोट कर लो इसको, सिंपल सिंपल चलना। और रिएक्शन है क्या? नहीं बस। आप मुझे बताओ ये बात करें, तो आपने देखा बेटा, आपने बोला है कि क्या पढ़ना है आपको बताओ? एप्लीकेशन। अगर अपन बोले कि यूजेस पढ़ना है, यूज क्या है, तो आपने देखा बेटा कि यूज के लिए अपन ने क्या देखा बताओ? मेटल हाइड्रेट बनाने के लिए इनका यूज करते हो, बताओ? अमोनिया बनाने के लिए बेटा इनका यूज करते हो, सोच पा रहे? वाटर बनाने के लिए भी यूज करते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए यूज करते हो, हाइड्रोजन हैलाइड बनाने के लिए यूज करते हो, समझ पा रहे? और देखो बेटा बात करें क्या बोला करो, सोचो मेटल को बेटा बात करें बनाने के लिए यूज करते, समझ पा रहे? उनके सॉल्यूशन से अपने बोला फ्यूल के फॉर्म में, समझ पा रहे? इनका यूज करते हैं, और क्या के लिए यूज करते हैं? जी वेजिटेबल घी बनाने के लिए इनका यूज करते, समझ पा रहे? रेडियो एक्टिविटी में इनका यूज करते, पूरे बात करें मॉडरेटर मंदक के रूप में इनका यूज करते हैं, हैवी वाटर का, अरे करते कि नहीं करते? तो इनके सारे के सारे क्या है बेटा बात करें? यूजेस है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो इनके एप्लीकेशन है। तो अगर अपन बात करें बुढ़िया हाइड्राइड के बारे में, ये सब पढ़ लिया ना अपने बेटा, अब हाइड्रेट का मतलब क्या है बुढ़िया बताओ? अगर एम मेटल के साथ करेगा तो सेलेन हाइड्रेट बनाएगा, वो NaCl टाइप का, सेकंड ग्रुप के साथ करेगा बुढ़िया बात करें, समझ पा रहे? तो क्या करेगा फिर? जैसे अपन ने बोला हाइड्रेट का मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड, मतलब इनमें होगा आयनिक बॉन्ड। क्या होगा बेटा बताओ? और अगर यही हाइड्रोजन बुढ़िया बात करें फ्लोरिन क्लोरिन के साथ कर रहा है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड? ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये कोवलेंट है, आपने देखो ये आयनिक फॉर्म लिखा कैटायन एनायन, तो ये आयनिक हाइड्राइड हो गया। और ये बुढ़िया बताओ हमारे पास कैसे हो गया? नॉन मेटलिक मतलब पोलर, मतलब कोवलेंट हाइड्राइड, पोलर हाइड्राइड, समझ में आ रहा है? पोलर भी हो सकते, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, H2H2 के साथ बन जाए। तो ये बेटा बात के रिएक्शन आ गई। तो बाकी सारे के सारे बुढ़िया बात के देखो ईंधन सील लिखे, रॉकेट के फ्यूल के फॉर्म में बेंडिंग करने में यूज करते हैं। पढ़ लोगे नहीं पढ़ लोगे? ये फालतू की चीज है, ये मुझे आपको टाइम खराब नहीं करना। हाइड्रेट आपने पढ़े लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे करके ले करके कैसे बनाते हैं। अब बुढ़िया बात करें हमारे पास क्या, कोवलेंट हाइड्रेट पता है ना दीदी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन बुढ़िया बात करें प्रिसाइज कंपाउंड, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तीन टाइप के कोवलेंट बनेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब मैं आपको बुढ़िया बात करें, इसके पहले हमने पढ़े थे ना, मैं आपको तीनों बता देता हूँ एक एक एग्जांपल करके। इलेक्ट्रॉन बुढ़िया बात करें रिच, तीन टाइप के हाइड्रेट है, आयनिक होते हैं कि कोवलेंट, कोवलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। पहले अपन ने क्या बोला बताओ बुढ़िया? इलेक्ट्रॉन रिच।
अब इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है? जिसके साथ गुड़े, जिसके पास आठ या आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, अगर आठ है तो कम से कम एक लोन पे होना चाहिए, समझ पा रहे हो? उसको अपन बोलते इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच के लिए क्या जरूरत है गुड़े बताओ? जब गुड़े कंपाउंड के पास एट, या अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, मोर देन वन। तो अगर बेटू बात करें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है गुड़े बात करें, या तो क्या है, हाँ बिल्कुल, या तो गुड़े बात करें क्या है, आठ है, क्या है दोस्त, या फिर आठ से गुण क्या है, ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी कंपाउंड में गुड़िया बात कर एट और मोर देन एट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर गुड़िया आठ है तो कम से कम उसके पास क्या होनी चाहिए बेटी बात कर, एक लोन पेयर, और आठ से ज्यादा होंगे तो लोन पेयर तो उसके पास होगा, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। जैसे गुड़िया बात करें एग्जाम्पल लिखो जरा इसका बेटा, एक एग्जाम्पल आपने बताया NH3H2O, बहुत अच्छे दोस्त। NH3 में आपको पता है बेटी बात करें तीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और एक बेटे लोन पेयर है, कैसा कंपाउंड बताओ, आठ इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अगर अपने बुढ़े बोला बताओ H2O, क्या बोला तो बताओ, बताओ बोलो दो लोन प्यार है पर इलेक्ट्रॉन तो आठ ही है ना इस टोटल कंपाउंड के पास। अगर ऑक्सीजन के पास देखो तो कितने कंपाउंड है, कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ, दो तो लोन प्यार के चार और दो बॉन्ड के दो दो नहीं चार, मतलब आठ ही इलेक्ट्रॉन है, कर सकते नहीं कर सकते, तो ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिच। आए समझ में नहीं आया? अब बुढ़े अपन किस पर आते, दूसरा बताओ बेटी बात करें, इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें हमारे पास किस पर आते हैं, प्रिसाइज कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन बेटू बात करें प्रिसाइज कंपाउंड कौन सा होता है, जिसके पास भी बात करें केवल आठ इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर आठ इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास पर लोन पेयर भी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को डोनेट ना कर पाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बेटा बात करें बोलू कितना है, इक्वल्स टू एट है, समझ पा रहे, आठ है और लोन पेयर क्या हो, एब्सेंट हो, आठ के साथ क्या हो, केवल आठ इलेक्ट्रॉन तो हो, मतलब खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन बेटा लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं गुड़िया, इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें ऐसे कंपाउंड जिनके पास आठ इलेक्ट्रॉन हो और दीदी बात के साथ में लोन पेयर एब्सेंट है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, समझ पा रहे। इसमें हमने देखा बेटा CH4 CH4 के साथ गुड़िया बात का अपन लिख सकते हैं, बताओ SiH4 लिख सकते ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, इसके साथ गुड़िया अपन लिखना चाहो तो अपन क्या लिख सकते, बताओ बेटी बात करें NH बेटी बात करें 4+, नहीं समझ में आया, बताओ NH4+ कर सकते हो, गुड़िया बात कर बताओ BH4- कर सकते नहीं कर सकते। अगर अपन देखे बेटा जो कार्बन है नाइट्रोजन के ऊपर अगर एक प्रेस आ गया तो कार्बन ही तो बन चुका, और बोरो ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो कार्बन ही तो बन चुका, मतलब अगर आप देखो तो आपने जरा देखा बेटा बात करें कार्बन चार बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता, कितने बॉन्ड बनाता है, चार, क्योंकि उसके पास चार ही तो इलेक्ट्रॉन थे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा बात करें आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन चार नहीं होते कार्बन के पास आउटर मोस्ट, क्योंकि हम जहां जो कहना चाह रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बेटा केवल बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे आपने देखा चार इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, उन्होंने चार बॉन्ड बना लिए, एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उसको बेटा बात करें मिल गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन कितने हो गए, आठ हो गए, पर लोन पेयर है क्या, तो किसी को दे सकता है क्या, लेकिन खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, खुद तो स्टेबल है। तो जो गुड़िया बात करें कंपाउंड खुद स्टेबल हो बेटा बात करें आठ इलेक्ट्रॉन रख के, पर उसके पास देने के लिए एक भी ना हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं। लेकिन आपने वही नाइट्रोजन को देखा, मतलब अमोनिया के फॉर्म में वाटर को देखा, इनके पास आठ इलेक्ट्रॉन है पर गुड़िया साथ में एक लोन नोन पेयर भी तो है, तो किसी को दे सकते नहीं दे सकते। चलो गुड़िया बात करें तो आपने पहला देखा बेटा बात करें क्या इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरा देखा गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन समृद्ध और इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अब पढ़ना गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो जरा तीसरा हम देख लेते बेटू बात करें इलेक्ट्रॉन गुरु बताओ क्या डेफिशिएंट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या बेटा बताओ लेस देन 8 है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आठ से कम है। इसका एग्जांपल बोलूं बहुत अच्छे से पता है, BH3 हुआ गुड़िया बात करें AlH3 हुआ हमारे पास गुड़िया बात करें CH3+ हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने जरा देखा बेटू बात करें बोरोन के पास तीन इलेक्ट्रॉन, उसने बेटा तीन बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ मिलकर के, नहीं समझ में आ रहा बेटा बात करें, तो गुरु बताओ कितने हमारे पास आए जी, अभी क्या बन चुका बताओ गुड़िया बात करें, ये बन चुका हमारे पास BH3 मतलब बोरोन ट्राइहाइड्राइड, बना कि नहीं बना बेटा बात करें, ये कैसा कंपाउंड है हमारे पास, एक कोवेलेंट ही है, पहले इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास बताओ बेटा, एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, सिक्स, मतलब ये हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है, खुद का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और वो किसी को डोनेट भी नहीं कर सकता, तो लेने की चाहत रखता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इनको अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कोवेलेंट है और तीन तरीके से कंपाउंड याद है, जिनके पास आठ या आठ से ज्यादा है, आठ है तो एक लोन पेयर है कम से कम देने के लिए, और आठ से ज्यादा है तो दिल लोन पेयर तो हो गई बेटा देने के लिए, तो उनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, जिसमें दीदी लोन पेयर वाले कंपाउंड हमेशा लेना है आपको। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें जिसमें अपने बोला कि जिनके पास केवल आठ इलेक्ट्रॉन हो गुड़िया बात करो लोन पेयर ना हो, उसको अपन बोलते हैं कार्बन फैमिली वाला, मतलब कंप्लीट सेटिस्फाई हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तीसरा अपन ने बोला बेटी बात करें बॉन्ड बनाने के बाद भी उनके पास आठ इलेक्ट्रॉन ना हो, तो इसका मतलब डोनेट कहां से कर पाएंगे, अभी इनको तो खुद ही चाहिए, तो उनको अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कर पाओगे तो उसकी नहीं कर पाओगे, ये गुड़िया बात हमारे पास हो गया। यहाँ आपके बेटा बात कर हो जाता है क्या, क्या होता है गुरु बात का, ये टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर इसमें गुरु बात का दे रखा है कुछ हमारे पास क्या, मतलब ये दे रखा है मेटलिक और बेटा बात का नॉन, हाँ ये दे रखा है हमारे पास आर समीकरण, मतलब क्या दे रखा है गुरु बात करें,
मिति अंतर काशी है। अरे बेटी बात क्या बोल दे रखा सीधी से बात, डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये। किसके बेटा बात करें? डी ब्लॉक के। अब डी ब्लॉक में आपको पता हो तो गोलू बात करें, डी ब्लॉक का साइज बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है बेटा बात करें? बड़ा साइज हो जाए तो आपको पता है गोलू बात करें कि बड़े साइज में मेटल सोच पा रहे डायरेक्ट बोन नहीं बनाते, बनाते हैं क्या मेटल? जैसे अपने बोले डी ब्लॉक की मेटल है, जैसे क्रोमियम है गुड़िया बात करें तो क्रोमियम का क्रिस्टल है, मेटल क्रिस्टल है। पर मेटल क्रिस्टल में गुड़िया बात करें क्या होता है? देखो इधर गोलू, ये कौन सी कंपाउंड है याद है अपने इसको? आदर्श समीकरण मतलब क्या है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कैडन एनन के नंबर बराबर, नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब जिसमें कैडन एनन के नंबर बराबर ना हो। तो बेटा बात करें गुरु, सोचो अगर बेटा बात करिए चार मेटल है, चार मेटल गुरु बात करें, अपने बोला ये आयरन है, आयरन आयरन आयरन, मतलब ये किसका ब्लॉक था बेटा बात करें गुरु? आयरन मेटल का ब्लॉक था। इनके बीच में गुरु बताओ थोड़ी जगह आगे की आगे, इसको मैंने क्या बोला बताओ गुरु? इंटरस्टीशियल स्पेस। इसमें छोटी जगह थी, छोटी जगह में आगे कौन बैठ गया? हाइड्रोजन। चार पे एक है बताओ बराबर है क्या? आयरन मेटल मतलब मेटल नॉन मेटल के नंबर बराबर है क्या? क्या अलग अलग है? अलग अलग है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हो सकता है कि बात करके 4:1 का रेशियो हो सकता है बात कर, तो बताओ एक हिस्से में कितना आएगा? एक हिस्से में एक आएगा क्या? तो अगर अपने मेटल और नॉन मेटल की बात करें गुड़िया, मेटल टू नॉन मेटल का जो रेशो है वो क्या 1:1 का रेशो है क्या? नहीं। चार मेटल के हिस्से में एक आ रहा, तो एक हिस्से में कितना आया बताओ? 0.2 बोलू बात करें, बनाए 0.2 बनाए कि नहीं आया? 0.25 0.25 आया या 1/4 बोल दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इस तरीके से बेटा 0.25 हो सकता है, 0.35 0.7 0.8 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमें दोस्त ये समझना है, क्या समझना है कि यहाँ पे इनको अपन बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। क्या बोलते हैं? तो ये ना कभी आता है, और यदि आता है तो भी हमें पता होता है कि जब मेटल का रेशियो नॉन मेटल के बराबर ना हो, मुझे बात करें मतलब जब नॉन मेटल मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ सकता है, यहाँ पे कार्बन भी आ सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी आ सकता है, ये पहले पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट में, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? नॉन स्टोइकोमेट्रिक। समझ पा रहे? मेटल हाइड्राइड आ जाएगा कि नहीं आएगा? पर ये कौन बनाते, कौन बनाते? बेस्ट मेटल ही बनाते यदि बात करें। समझ पा रहे? क्योंकि बेस्ट मेटल तो हमारे पास S-ब्लॉक याद है, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। समझ पा रहे? पर ये बुरे बात करें मेटेलिक हमारे पास जो होते हैं वो बेस्ट मेटल नहीं होते, वो डी ब्लॉक के मेटल हो गए, ए ब्लॉक के मेटल हो गए, तो ये क्या करते हैं? वीक बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रहा दोस्त? क्योंकि मेटल मेटल के बीच में बुरे बात करें क्या होता है? बॉन्ड होता है, जिनको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और नॉन मेटल आगे यहाँ पे केवल इंटरस्टीशियल स्पेस में आके क्या करता है? इंटरस्टीशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर देता है, जिससे बुरे बात करिए हमारे पास जो जगह वो भर जाती है, फिल्ड हो जाती है। और फिर गुड़िया बात क्या, अपने पता था कि जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, कम से कम वाटर वॉस बॉन्ड तो है उनके बीच में, बिग बॉन्ड तो है, तो कम से कम बेटा बात कर इनके बीच की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेटल की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे अपन चाहे तो गुड़िया बात कर ईटो ईटो से मकान बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है ईटो ईटो को बीच में सीमेंट भी जोड़ के ईटो से भर सकते हैं, लेकिन आप देखा फिर उनके बीच में छोटी जगह बच जाती है, तो वहां अपन क्या करते हैं? बजरी भरते नहीं भरते सीमेंट के साथ जोर से, और इतनी जोर से मारता है ये जो मकान बनाने वाला होता है कि अंदर तक भर जाए, कई बार तो यहाँ से उस तरफ गिर जाती है बजरी। क्यों? ताकि बुरे बात करें जो बीच में जहाँ ईंट ईंट नहीं जुड़ पाए वहां बुरे बात करें कौन बेटू बात करें, मतलब ग्लू की तरह कौन काम करे? ये सीमेंट और रेत। समझ में आ रहा? तो वही वाला कंसेप्ट होता है। ये वाला टॉपिक था अपना, कौन सा बेटा बात करें? हाइड्रोजन का। किसका था टॉपिक? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के टॉपिक में जरा देखो दीदी बात स्टार्ट से करें, कुछ अपन ने बेटू बात करें पहले इनिशियल उसका क्या देखा था, क्या देखा था उसका? सबसे पहले हमने उसका परिचय देखा था। समझ पा रहे? इंट्रोडक्शन लिया था कि नहीं लिया था? हाँ। बात कर डिस्कवरी किसने की? बेटा बात कर कौन सा मेटल होता है, यूनिवर्स में इसका कितना अमाउंट है, गुड़े बात कर अर्थ पे कौन सा अमाउंट है, किसका सोर्स है, फिर गुड़े बात कर इसको बनाने की मेथड देखी। समझ पर अपन इसके आइसोटोप देखे, देखे आइसोटोप का भी बेटा यूज देखा, फिर गुड़े बात इसके अपन ने क्या देखी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखी, इतना ही दीदी बात कर होता है हाइड्रोजन में, कुछ और है ही नहीं। समझ में आ रहा कि यार? तो अब ये बात अपन का, अब किसकी बात करेंगे अपन? वाटर की। ठीक है चलो।